तो क्या ये हमारी पिन आसमान में उड़ती चली जाएगी तो लड्डू जैसी कुछ अजीब सी लड्डू भी ऐसा नहीं होता कुछ तो है ही नाव बना के देखेंगे जो अपने आप ही चलती हुई दिखाई देगी तो ये अपने आप में एक, एक एक्सपेरिमेंट है कि पेपर इस तरीके से कर्ल कर गया? चाय की छलनी में अभी तो बहुत ही गंदी सी चाय की छलनी है यानी हम जो

पिछले दो वीडियोस में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ी थी अब समय आ गया है कि हम पढ़ें सरफेस टेंशन के बारे में ये है वन शॉट वीडियो सरफेस टेंशन का इस एक सिंगल वीडियो में हम सारी की सारी थ्योरी करेंगे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ये वीडियो आई टी नीट बोर्ड्स ओलंपियाड सभी के लिए सफिशियंट है अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मेरा नाम है विक्रांत किरार मैंने आई टी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं क्रशिप के सारे वीडियोस वैसे तो YouTube पर फ्री है लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज मांगता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो आइकन दबाओ और इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि अगर वीडियोस लाइक नहीं होते तो फिर ये कहीं यूट्यूब की गहराइयों में दब जाते हैं कभी ऊपर नहीं आ पाते तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लाइक करो और अब शुरू करते हैं सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन होती क्या है हमारे पास देखो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स तो ऐसा इनमें क्या है कि मिक्स नहीं होते है? अच्छा हम जानते हैं कि ऑयल की मान लो डेंसिटी कम होती है पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है या कुछ ऊटपल नीचे हो सकती है लेकिन फिर भी ये मिक्स क्यों नहीं करते जैसे दूध और पानी की भी डेंसिटी थोड़ी अलग अलग होती है लेकिन हम उन्हें मिक्स करते हैं तो वो आपस में घुल मिल जाते हैं वहां पर ऐसी सेपरेट लेयर हमें दिखाई नहीं देती है ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम दिया जलाते हैं तो ऑयल तो यहाँ पर नीचे भरा होता है लेकिन फिर भी ये जो बत्ती होती है जिसे हम कॉटन विक बोलते हैं उसके थ्रू ये ऑयल ऊपर आता जाता है और यहाँ पर ऑयल बर्न होता है बत्ती नहीं जलती है मतलब बत्ती भी थोड़ी सी जल जाती है पर यहाँ पर पूरा का पूरा फ्यूल यहाँ नीचे होता है लेकिन वो अपने आप ग्रेविटी नीचे लग रही है फिर भी वो ऊपर आता जाता है ऐसे ही कुछ हम देखते हैं पेड़ पौधों में यहां पर पानी होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है फिर भी ये इस तरीके से ऊपर पेड़ की ऊपर की पत्ती तक चले जाते हैं कितने ऊंचे है ऊंचे पेड़ होते हैं सब तक पानी पहुंच जाता है कैसे यही सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यह है सर्विस टेंशन या फिर ये जो निब वाले पेन होते हैं फाउंटेन पेन वो किस तरीके से काम करते हैं और आपने पेंट ब्रश करते हुए देखा होगा कि हमारा जब ब्रश सूखा होता है तो उसको आप, तो आप फील करके देख सकते हो वो थोड़ा अलग दिखता है जब हम उसे पानी में डिप करके निकालते हैं या उसे हम वेट कर देते हैं तो कुछ अलग तरीके का दिखता है अलग तरीके से बिहेव करता है ये सब कैसे होता है हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं अच्छा आपने देखा होगा कि जब हम रस्सी में यहाँ पे कोई ब्लॉक लटका देते हैं वजन लटका देते हैं तो इस रस्सी में एक टेंशन आ जाती है और यहां पर हमारे पास सरफेस टेंशन है तो क्या ये सरफेस टेंशन का उस रस्सी वाली टेंशन से कोई लेना देना है दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है इनफैक्ट इनके डायमेंशन भी अलग होते हैं इनकी यूनिट भी अलग होती है है ये खाली नाम सिमिलर है, सर्फेस टेंशन और ये रस्सी में सिर्फ टेंशन इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है कंफ्यूज मत होना अभी हम सब कुछ देखेंगे सरफेस टेंशन समझने से पहले हमें समझना होगा कि यह सर्फेस होती क्या है देखो हमारे पास जब भी कोई लिक्विड होता है तो लिक्विड का कोई शेप तो फिक्स होता नहीं है तो उसका शेप आता है वो जिस कंटेनर में है उस कंटेनर की वजह से तो हमारे पास देखो एक लिक्विड है और एक सॉलिड कंटेनर है तो सॉलिड कंटेनर के साथ उसका एक इंटरफेस होता है एक तरफ लिक्विड होती है दूसरी तरफ सॉलिड होती है यहां पर नीचे की तरफ देखोगे तो ऊपर लिक्विड है नीचे सॉलिड है इधर देखोगे तो इधर लिक्विड है इस तरफ सॉलिड है लेकिन टॉप में अगर आप देखो टॉप इंटरफेस में तो ऊपर एक एयर है नीचे लिक्विड है एयर का खुद का भी कोई शेप नहीं होता है सॉलिड का शेप होता है एयर का शेप नहीं होता इसीलिए ऊपर वाली एक फ्री सरफेस है उसका देखो शेप और साइज चेंज हो सकता है अगर मैं इस ग्लास को हिलाता हूं तो यहां वाला तो एकदम फिक्स है जो भी है ग्लास के साथ वो भी चेंज हो रहा है ऊपर वाला लिक्विड के हिसाब से है, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उसके हिसाब से उस फ्री सर्फेस उसे हम बोलते हैं उसका शेप साइज चेंज हो सकता है इसे बोला जाता है फ्री सर्फेस और बीच में ये जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसे हम बोल देते हैं बल्क बल्क यानी कोई भी बड़ी चीज हो जाती है उसे हम बल्क बोलते हैं तो ये यहां पे पूरा भरा हुआ है पानी इसे हम बोलते हैं बल्क है और हमारे ऊपर 10 से 15 मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होती है उसे हम सरफेस बोलते हैं अच्छा इन दस से पंद्रह मॉलिक्यूल्स की लेयर में कुछ तो खास बात होगी क्यों उन्हें हम अलग से सर्फेस बोल रहे हैं बल्क नहीं बोल रहे हैं। उसी चीज को समझते हैं हमारे पास बल्क में जो भी सबसे छोटा पार्टिकल है अगर ये पानी है तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल हो सकता है उसको देखो उसके आसपास और भी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर इधर 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 हर डायरेक्शन में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा और उसको मैंने यहां पर बनाया हुआ है देखो सभी डायरेक्शन में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है सरफेस पे जो सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसको देखो उस पे ये मॉलिक्यूल्स इधर इधर इस तरफ इस तरफ इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ इसे कोई नहीं खींच रहा है तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ अलग तरीके से लग रहे हैं यहां पर जो बल्क में हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हम नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस देखें सभी मिलाकर के वो हो जाते हैं जीरो उसके ऊपर कोई भी टोटल अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है मतलब वो फिक्स है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल को आप देखो जो सरफेस में उसमें नेट फोर्स नीचे की तरफ है अट्रैक्टिव फोर्स की अगर हम बात करें क्या इसके ऊपर टोटल फोर्सेस नीचे की तरफ है नहीं इसके ऊपर नेट फोर्सेज जीरो है ये इक्विब्रियम है देखो अगर इसके ऊपर टोटल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता तो ये नीचे मूव करने लगता है एक्सिलेशन आ जाता तो इसको रोक कौन रहा है नीचे आने से यहां पर कुछ एक्सेस प्रेशर होगा प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा उसकी वजह से ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स लग जाता है देखो इस तरीके से फोर्स लगता है उसे हम पढ़ेंगे भी कि एक्सेस प्रेशर थोड़ा लग जाता है सरफेस टेंशन की वजह से और उसकी वजह से ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे और हमारा पार्टिकल फिर इधर उधर ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा लेकिन अगर हम सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है हमारे ये मॉलिक्यूल जो इस लिक्विड के बल्क में है उसकी पोजिशन क्या फिक्स रहती है उसकी पोजिशन फिक्स नहीं रहती लिक्विड्स में पार्टिकल्स इस तरीके से फ्रीली मूव कर सकते हैं सॉलिड्स में ऐसा होता है कि पोजिशन फिक्स हो जाती है लिक्विड्स में ऐसे 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 फ्रीली मूव करते रहते हैं इसी तरीके से ये जो सरफेस पे हमारे पार्टिकल्स हैं वो भी फ्रीली मूव करते हैं हो सकता है ये पार्टिकल थोड़ी देर में निकल के इधर आ जाए और इसकी जगह कोई और पार्टिकल वहां पर पहुंच जाएगा हो सकता है ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर में इधर आए इधर आए इधर आए फिर इधर आ जाए यहां अंदर आ जाए और कोई और पार्टिकल इधर उधर घूमते घूमते यहां पर चले जाए तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है वो फिक्स होता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते आप इस पानी में देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ऊपर एक सरफेस है हम ये नहीं बता सकते कि अच्छा ये 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 वाले मॉलिक्यूल ये सर्फेस मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा सर्फेस पे रहने वाले वो अपनी पोजिशन बदलते रहते हैं अच्छा इसी की जगह मैं यहां पर अगर दूध रखू तो दूध में क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो सकते दूध में ऊपर थोड़ा सूख जाता है तो उधर मलाई जम जाती है उस केस में हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स फिक्स हो जाते हैं या फिर आप एक काम करो फेविकोल की डब्बी लो उसका ढक्कन खोल के रख दो तो वहां पर भी आप देखोगे कि ऊपर की सर्फेस एयर से रिएक्ट होती है या सूख जाती है कुछ तो होता है वहां पर एक लेयर बन जाती है वो फिर फिक्स हो जाती है पानी के केस में वो नहीं होता है तो हमें यही सब प्रॉपर्टीज पढ़नी है पानी वाले केस हम देखेंगे कि सूख जाना मलाई जम जाना फेविकॉल जम जाना ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही होते हैं दोनों ही फ्लो कर सकते हैं लेकिन सरफेस सिर्फ लिक्विड्स में बनती है ऐसा क्यों होता है देखो गैसेस में भी जो इंटरमोलिकुलर ये अट्रैक्शन होता है वो इतना कम होता है कि सब पार्टिकल्स इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं तो ये एक अलग से सरफेस वहां पे नहीं बनती है वहां पे हमेशा इंटरफेस बनेगा तो जो भी कंटेनर होगा उसके साथ ही इंटरफेस बनता है ऐसे अलग से आ, हमें सरफेस गैसेस में देखने को नहीं मिलती है सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड्स अपना सरफेस एरिया कम करना चाहती है है या फिर इसका एक एग्जांपल कि पानी की बूंद हमेशा गोल क्यों होती है तो इसे समझने की कोशिश करते हैं मान लो पानी की बूंद गोल नहीं होती वो इस तरीके की एक क्यूब होती उस केस में क्या होता मान लो हमारे पास एक क्यूब है तो इसके किसी भी सरफेस के एक क्यूब है तो कहीं ना कहीं तो कोई कॉर्नर होगा उस पर जो भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्सेज हम देखते हैं यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेज इधर होंगे इधर होंगे इधर होंगे हर तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे तो इसके ऊपर मैं नेट अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में बना सकता हूं यहां पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस इस तरफ होंगे और ये वाले नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस इस तरफ थे अच्छा इन दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा होगा यहां पर हमें पता है ये वाला फोर्स बड़ा होगा कैसे बड़ा होगा देखो यहां पर एक फोर्स इधर था 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 यहां पर सिमेट्री के कारण ये सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट बचता है यहां पर हमारे पास एक फोर्स इधर था एक फोर्स इधर था एक फोर्स इधर था अगर यहां पर भी एक फोर्स होता है यहां पर भी एक फोर्स होता तब हमारे पास जो नेट फोर्स नीचे की तरफ आता वो यहां वाले नेट फोर्स के बराबर आता लेकिन अब ये वाले फोर्स है तो है ही नहीं तो हमारे पास एक्चुअली कुछ इस तरीके का फोर्स हो जाता है इसमें आप देखोगे इसमें और इसमें ये वाला फोर्स बड़ा है यानी यहाँ वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है तो ये वाला जो पार्टिकल है अब वो इस तरफ एक्सेलरेट होने की कोशिश करेगा अभी तक देखो कोई रिपल्शन नहीं है अभी रिपल्शन भी आएगा जैसे ये पार्टिकल्स इधर आएगा ये सभी पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा अंदर आने की कोशिश करेंगे इनके ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है इनके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये भी अंदर आने की कोशिश करेंगे सभी पार्टिकल्स अंदर आने की कोशिश करेंगे इस तरीके से अब आप इसको ऐसा समझो एक भीड़ लगी हुई है मेले में और सब पार्ट आ, सारे लोग सेंटर में आना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या होगा सेंटर में प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो रिपेल करना चाहेंगे वो बोलेंगे अरे इतने सारे पार्टिकल्स तुम अंदर मत आओ तुम वापस बाहर जाओ यहां से आने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था यहां से आने वाला अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा कम था अब लिक्विड में जो भी प्रेशर बढ़ जाएगा उसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स और इस डायरेक्शन में फोर्स बराबर लगेगा तो हम देखते हैं कि इन पार्टिकल्स पे नेट फोर्स ऊपर हो जाता है इन पार्टिकल्स पे नेट फोर्स इस तरफ हो जाता है और हमारा लिक्विड कुछ इस तरीके से ऐसा गोलाई लेने लगता है और हमारा फाइनली सरफेस कुछ इस तरीके से बन जाती है इस पूरी कैलकुलेशन में हम ग्रेविटी के कारण कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रही है ये पानी की बूंद बहुत ही छोटी है ग्रेविटी को अभी इग्नोर करूं अच्छा यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है जितने भी पार्टिकल्स है जितने भी मॉलिक्यूल्स थे कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं था सब पे नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस थे अभी उन पर कोई रिपल्सिव फोर्स लग नहीं रहा था ऊपर की तरफ तो वो सब नीचे की तरफ आना चाहेंगे लेकिन सब नीचे की तरफ आना चाहेंगे तो देखो इनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है हमने देखा था कि हमारे लिक्विड की सर्फेस हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है जैसे यहाँ पर इस तरीके से अगर हमारे पास फोर्स लग रहा है तो सर्फेस कुछ ऐसी होनी चाहिए परपेंडिकुलर यहां पर इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो सरफेस कुछ ऐसी होना चाहिए परपेंडिकुलर इस केस में ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से सभी जगह पर अच्छा देखो यहां पर ऐसा है तो यहां पर सरफेस कुछ ऐसी होनी चाहिए तो ये सब फिर रीअरेंज होता है यहां पर देखो रीअरेंज हो गए यहां पर इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स होंगे इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स होंगे सर्फेस हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर है देखो यहां पर इस तरीके से सर्फेस फोर्सेस के परपेंडिकुलर होंगे अच्छा अभी भी सभी पार्टिकल्स अंदर आना चाहते हैं अभी भी अंदर आना चाहते हैं तो यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा फिर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इस तरीके से अरे इतनी ज्यादा जगह नहीं है अंदर क्यों अंदर आ रहे हो मॉलिक्यूल्स तो वो उन्हें वापस पुश करना चाहे और इस तरीके से इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक्सेस प्रेशर के कारण जो बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स है वो बराबर हो जाता है फिर हमारे पास पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं अगर हम इस पार्टिकल को देखिए या किसी भी पार्टिकल को देख लो Osionfish. तो उसके पास इधर अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहां पर इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे लेकिन इस तरफ कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो इसके ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस तो सेंटर की तरफ है लेकिन एक प्रेशर बढ़ने के कारण इस तरफ देखो एक एक्सेस प्रेशर के कारण कुछ फोर्स आ जाता है और वही उसी के कारण इसके ऊपर तो टोटल फोर्सेस जीरो हो जाते हैं और ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है ये मूव नहीं करता है तो इस शेप से हम इस शेप में आ गए एक क्यूब से हम एक स्फीयर में आ गए अब हम स्वेर में आ गए हमारा ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गए सभी पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में आ गए इसीलिए हमारी पानी की बूंद गोल होती है इसको एक बार फिर से समझते हैं हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स थे उन पे सभी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे थे कि वो सब पानी के बल्क में आने की कोशिश करेंगे सरफेस छोड़कर वो बल्क में आना चाहते हैं इसके कारण वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं जैसे ही सब इधर आने लगते हैं यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है और फिर इन इनपे रिपल्सिव फोर्सेज लगने लगते हैं इन फोर्सेस का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है कि हमारी फाइनली सरफेस एक स्फेरिकल शेप ले लेती है हमारे पास अनबैलेंसड फोर्स थे उसकी वजह से सरफेस रिफॉर्म हुई सरफेस चेंज हो गई और अब हमारे पास पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में आ गए अभी भी यहां पर जो भी पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर जा सकते हैं यहां से पार्टिकल कोई निकल के इधर बल्क में आ जाएगा लेकिन यहां कहीं और से पार्टिकल इधर चला जाएगा ओवरऑल हम दूर से देखेंगे तो हमें सरफेस एक स्फीयर की तरह ही दिखाई देने वाली है यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास एक शार्प कॉर्नर था यहां पे देखो एक कॉर्नर है लेकिन लिक्विड्स में शार्प कॉर्नर नहीं हो सकते सरफेस हमेशा ऐसे गोल गोलाई ले, ले लेती है हो जाती है देखो देर इज नो फ्री शार्प एजेस इन लिक्विड्स लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है कभी भी अच्छा इसका अगर मान लो ये वाला डायमेंशन था ए तो हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं इसका एरिया आ जाता है सिक्स ए स्क्वायर एक क्यूब के सिक्स फेसेस होते हैं हर एक फेस का एरिया है ए टाइम्स ए यानी ए स्क्वायर हमारा टोटल क्यूब का एरिया हो जाता है सिक्स ए स्क्वायर इस लिक्विड के क्यूब से हमारे पास लिक्विड का एक फेयर आ गया इसमें कांस्टेंट क्या रहा होगा लिक्विड का वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम इनिशियली कितना था देखो इसकी साइड है ए तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था ए क्यूब अच्छा इसका फाइनली कुछ रेडियस होगा उसको मैं बोल देता हूं आर तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन से कि ए क्यूब इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वेट कर दो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है आर इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स टू टाइम ए या फिर हम बोल सकते हैं डी यानी इसका डायमीटर जो है ये वाला डायमी टू वन पॉइंट टू फोर टाइम्स ए यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो भी हमारी क्यूब थी उस क्यूब से थोड़ा इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है लेकिन ओवरऑल इसका वॉल्यूम सेम ही है अब इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इस का एरिया कितना होता है फोर बाय आर स्क्वायर तो उससे हमें वैल्यू मिलती है एरिया की वैल्यू आ जाती है पहले हमारा था 6a2, अब हमारा एरिया एरिया था अब हो गया यानी लिक्विड ने अपना कुछ इस तरीके से रीअरेंज किया अपने आप को कि उसका एरिया कम हो गया कौन सा एरिया सरफेस एरिया पहले हमारे पास ऐसी क्यूब थी लेकिन इसमें देखो ये जो भी सरफेस पे पार्टिकल्स है वो सेंटर में जाना चाहते हैं बल्क में जाना चाहते हैं तो अपने आप कुछ इस तरीके से रियरेंज करते हैं कि हमें एक स्फेरिकल ड्रॉप मिल जाती है अच्छा इसका सर्फेस एरिया ज्यादा था इसका सर्फेस एरिया कम हो गया है और सभी लिक्विड्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना सर्फेस एरिया कम करने की कोशिश करते हैं सर्फेस टेंशन के कारण इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं जब रस्सी में टेंशन आती थी तो हम एक रस्सी लेते थे सीधे सीधे उस पर कुछ वजन लटका देते थे और हमारे पास यहाँ पर टेंशन आ जाती थी यहाँ सर्फेस टेंशन में अभी तक हमें कोई टेंशन देखने को मिली नहीं है आराम से हम वहां भी पहुंचेंगे पहले हम समझते हैं सर्फेस टेंशन लगती क्यों है और अभी हम एनालाइज करेंगे एनर्जी को ये एनर्जी कहां से आती है सर्फेस एनर्जी होती क्या है मान लो हमारे पास ये लिक्विड है लिक्विड में हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि सर्फेस पे और कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इस बल्क में है तो इनकी एनर्जी कितनी होगी किसी भी पार्टिकल की मान लो इस केस में एक मॉलिक्यूल अगर हम बोलते हैं तो उसकी एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कि इनफाइनाइट पे वो जीरो एनर्जी उसकी थी

और यहां पर देखो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में वो मूव भी कर रहा है तो यानी ये जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करते जा रहे हैं तो ये कुछ वैसा ही है मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक था इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है और ये नीचे ही मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है यहां पर भी हम देखते हैं कि नीचे आते आते इस लिक्विड की तरफ आते आते पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है अच्छा इनफाइनाइट पे जब वो था तो उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रखा था जीरो क्यों किया था हम अक्सर ऐसे ही करते हैं जब चीज़ें इनफाइनाइट दूर होती हैं तो वहां पे हम उसको जीरो डिफाइन कर देते हैं तो मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू जीरो डिफाइन कर दी थी यहां तक आते आते उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव में उसकी वैल्यू हो जाती है मान लो माइनस इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है जूल नहीं आई है कोई यूनिट होगी अभी मुझे नहीं पता कितनी यूनिट है फिर पार्टिकल यहां पर है यहां पर अभी उसके ऊपर नेट फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरफ है देखो इस डायरेक्शन तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस तो नीचे की तरफ है अगर हम इसको और नीचे की तरफ लेके आ गए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ने इस पर और वर्क कर दिया तो इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस इसके ऊपर नेट फोर्सेज जीरो हैं अभी इसके ऊपर नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है लेकिन हम सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम होती जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेस वही है कंजर्वेटिव फोर्सेज है उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है तो हमने देखा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी सरफेस पे मान लो माइनस फाइव थी यहां पर मान लो माइनस टेन थी तो हम ये ऐसा देखते हैं कि सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बल्क की पोटेंशियल एनर्जी का लगभग 50% परसेंट होती है ऐसा क्यों होती है आप इसको ऐसे समझ लो यहां पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे यहां पर उसका 50% परसेंट ही फोर्सेस लग रहे हैं तो वर्क डन भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा फिफ्टी टाइप इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी फिफ्टी आती है लगभग फिफ्टी आती है यहां वाले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस टेन यूनिट कुछ भी यूनिट हो सकती है इसे अगर हमें फिर से इन्फाइनाइट पे ले जाना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी यानी हमें इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसे हम अगर प्लस टेन यूनिट एनर्जी दे, दे देंगे तो ये फिर इन्फाइनाइट तक चला जाएगा ये वैसा ही है ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी होती थी यहां पर कुछ और एनर्जी हमने दे दी है अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे है तो उसे हमें प्लस फाइव यूनिट एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी फिर वो इन्फाइनाइट पे चला जाएगा और ये एनर्जी है कौन सी आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं उसे उबालते हैं तो वो इस तरीके से सभी पार्टिकल्स उड़ उड़ के चले जाते हैं हम बोल सकते हैं कि सभी पार्टिकल्स इंफानाइट डिस्टेंस पे चले गए तो हमें उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जो हम उन्हें गर्म करके एनर्जी देते हैं और वही एनर्जी हो जाती है हमारी वेपराइजेशन या वाली जो एनर्जी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप उसे बोल सकते हो जो कि पानी के लिए है 40 किलो जूल पर मोल एक मोल पानी में मतलब बहुत सारे यहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल मॉलिक्यूल्स को अगर हमें इनफाइनाइट तक भेजना है तो हमें लगभग फोर्टी किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है ये है पोटेंशियल एनर्जी हमारे मॉलिक्यूल्स की अब समझो सबसे जरूरी बात कोई भी पार्टिकल चाहता क्या है वो चाहता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम करना जैसे मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है वो नीचे गिरना चाहता है तो यहां पर जो पार्टिकल है वो भी चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस टेन हो जाए यहां पर जो पार्टिकल है वो भी चाहेगा कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस टेन कर ले तो इसको हम देख कर बोल सकते हैं कि यहां पर जितने भी पार्टिकल है वो सब चाहते हैं कि वो हम बल्क 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 में जाएं, बल्क में जाएं, बल्क में घुस 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 ये इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका है कि सबके ऊपर नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था सरफेस के सभी पार्टिकल सरफेस को छोड़ करके बल्क में आना चाहते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि हमेशा लिक्विड अपनी सरफेस एरिया कम करना चाहेगा मान लो सरफेस पे 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 में से अगर 50 मॉलिक्यूल्स भी बल्क में चले गए तो हमारी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी इस सिस्टम की तो वही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम हमेशा कम करना चाहता है और हम देखेंगे कि, कि 100 में से अगर 50 मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर बल्क में जा सकते हैं तो लिक्विड कोशिश करेगा कि वो ऐसा कर ले यानी लिक्विड हमेशा कोशिश करेगा कि उसका सर्फेस एरिया कम हो जाए सर्फेस एरिया कम होगा तो सर्फेस की थिकनेस तो वही होती है दस पंद्रह मॉलिक्यूल्स की एरिया कम हो जाएगा तो सर्फेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी इसीलिए लिक्विड हमेशा कोशिश करता है कि सर्फेस एरिया कम करो सर्फेस एरिया कम करो इस तरह की अगर हमारी क्यूब है तो उसकी जगह वो इस तरह की बॉल बनने की कोशिश हमेशा करता रहेगा यहां पर हमारे पास एक फिल्म है थिन फिल्म उसको बोला जाता है बहुत ही पतली सी फिल्म है लिक्विड की और यहां पर ये इस तरीके से ये वाली रॉड इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है यानी ये कभी इधर आ जाएगी या कभी इधर आ जाएगी उस रॉड को हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं अच्छा मैं इसको अगर इधर ले जाऊंगा तो हमारा सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा जैसे ये जो भी सर्फेस एरिया है ये बढ़ जाएगा इस तरफ आने से और अगर मैं इसे इस तरफ मूव करूंगा तो हमारा सर्फेस एरिया कम हो जाएगा लेकिन इस फिल्म में जितने भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट होता है देखो हो क्या रहा होगा अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक डी थिकनेस की ऐसी बात करें तो हमारे पास देखो ये डी थिकनेस है हमारे पास कुछ बल्क में लिक्विड है और हमारे पास कुछ सरफेस पे लिक्विड है अब मैं इसे इस तरफ खींचता हूं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ये डी से मान लो टू डी हो गई तो सर्फेस की थिकनेस तो हमेशा कॉन्स्टेंट है ये वाली कॉन्स्टेंट है और हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा सर्फेस हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी देखो जैसे यहाँ पर ये D तक कुछ हमारे पास सरफेस थी ये सरफेस हमारे पास यहाँ पे भी थी लेकिन ये सरफेस एक्स्ट्रा बनी है इसी तरीके से ये वाली सरफेस हमारे पास यहाँ पर है लेकिन ये वाली जो सरफेस है ये थोड़ी सी सरफेस हमने एक्स्ट्रा बनाई है इस एक्स्ट्रा सरफेस को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स आए कहाँ से देखो यहीं के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस तरफ मूव करे होंगे क्योंकि पानी का वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ थे उतने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ रहेंगे हम अज्यूम कर रहे हैं कोई मॉलिक्यूल उड़ के इवेपोरेट नहीं कर गया यहां पर देखो हमारे पास बल्क में ज्यादा लिक्विड था लेकिन यहां पर बल्क में थोड़ा लिक्विड कम हो गया होगा क्योंकि बल्क में से ही थोड़ा सा लिक्विड निकल के इस सर्फेस में गया तो बल्क में से निकल के लिक्विड सरफेस में चला गया इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई अभी भी नेगेटिव में ही है लेकिन थोड़ी बढ़ गई है हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है यानी अगर मैं इस रॉड को इस तरफ खींचता हूं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है अगर मैं इस रॉड को इस तरफ लाता हूं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है सिस्टम क्या चाहता है सिस्टम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है जैसे इस क्यूब को मैं छोड़ दूं तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए नीचे की तरफ गिरता है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ कम हो रही है और इसीलिए इसके ऊपर रॉड के ऊपर इस तरफ फोर्स लग जाएगा ये जो फिल्म है यहाँ पर एक थिन फिल्म है लिक्विड की वो इसके ऊपर रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये है सरफेस टेंशन अब जाकर के हमें फाइनली फोर्स दिखाई दिया इतनी देर से हम मॉलिक्यूल ढूंढ रहे थे कहाँ मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं इसको और थोड़ा एनालाइज करते हैं यहां से जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है इस फिल्म के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा देखो हम इसे इस तरफ खींच रहे हैं इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है और हमें इस तरफ मूव करा रहे हैं यानी हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी कुछ बढ़ेगी कितनी बढ़ जाएगी देखो यहां पर इनकी जो भी एनर्जी थी उनको हमें अब सरफेस वाला मॉलिक्यूल बनाना है सरफेस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी ज्यादा होती है तो हमें इन कुछ मॉलिक्यूल्स को मान लो यहां वाले कुछ मॉलिक्यूल्स को हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो वो यहां पर सर्फेस वाले मॉलिक्यूल बन गए इस तरीके से यहां से इधर जाते समय हमें, हमें वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पे और यहां से इधर आते समय हमें वर्क मिलेगा सिस्टम हमारे ऊपर वर्क करेगा यहां से देखो अगर रॉड इधर जा रही है तो ये सिस्टम ही इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है यानी सिस्टम ने पॉजिटिव वर्क कर दिया तो बस यही है और डिटेल में इसे देखते हैं अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास लिक्विड की कोई पतली सी फिल्म है तो वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगी और उसके कारण इस रॉड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस रॉड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है अच्छा दरअसल ये फोर्स सिर्फ इस रॉड पे नहीं है इस रॉड पे भी इधर फोर्स होगा इस रॉड पे भी इधर फोर्स होगा इस रॉड पे भी इधर फोर्स होगा लेकिन ये तीनों रॉड तो एक रिजिड सिस्टम में बनी हुई है तो ये मूव नहीं कर सकती सिर्फ ये वाली रॉड ही इधर या इधर मूव कर सकती है तो हम इसलिए बोलते हैं कि इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अब हम देखते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन बना करके कि इस रॉड पे फोर्सेस लगते कैसे हैं तो इस रॉड का क्रॉस सेक्शन देखो मैंने यहां पर बनाया हुआ है और ये जो हमारी थिन फिल्म है उसका क्रॉस सेक्शन ये है इस फिल्म में देखो ऊपर एक सरफेस होगी जैसे यहाँ के ऊपर के 10-15 मॉलिक्यूल्स की एक सरफेस हो गई नीचे भी एक सरफेस होगी तो किसी भी फिल्म में दो सरफेस होती है एक ऊपर वाली सरफेस होती है एक नीचे वाली सरफेस होती है और बीच में कुछ हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड होता है बल्क लिक्विड अच्छा अगर मैं इसे इस तरफ मूव करता हूं इस प्रॉड को इस तरफ मूव करता हूं तो क्या होगा इस बल्क में से ही थोड़े थोड़े लिक्विड इधर मूव होगा और हमारे पास यहां पर एक नई सरफेस बनती जाएगी इस तरीके से और हमारी ये रॉड अब इस जगह आ चुकी होगी यहां पर हमारे पास देखो कुछ मॉलिक्यूल आ गए ये हमने एक नई सरफेस क्रिएट कर दी है इस सरफेस को क्रिएट करने के लिए लिक्विड आया कहा से यहां से इधर फ्लो हुआ होगा प्लस यहां से लिक्विड इधर इस बीच में जगह को भी भरने के लिए फ्लो हुआ होगा तो ये लिक्विड कम हो जाएगा यानी हमारी जो ये थिकनेस है इस तरीके से थिकनेस सरफेस की कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है वॉल्यूम थोड़ी ना गायब हो जाएगा कहीं पे हम जानते हैं कि बल्क में पार्टिकल पे इधर भी फोर्स लगता है 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 लेकिन यहां पे क्या हो रहा होगा यहां पर जो पार्टिकल है उस पर इधर फोर्स लग रहा होगा इधर इधर फोर्स फोर्स लग लग रहा लग रहा होगा होगा और हो सकता है रॉड भी इस पे कुछ फोर्स लगा दे अब पानी पानी पे कितना फोर्स लगाता है वो दोनों तीनों तरफ बराबर होगा लेकिन पानी रॉड पे ज्यादा फोर्स भी लगा सकती है थोड़ा कम फोर्स भी लगा सकती है क्योंकि ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं उनका इंटरेक्शन कुछ और हो सकता है यानी अगर यहाँ मैं रॉड का टाइप बदल दूंगा तो क्या मेरे फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी या फिर अगर मैं फिल्म की थिकनेस बदल दूं मतलब यहां पर मैं चौड़ी थोड़ा ज्यादा चौड़ी इस तरीके की फिल्म बना दूं तो यहां पे देखो ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे इस तरफ फोर्स लगाने के लिए तो क्या थिकनेस पे भी हमारा फोर्स डिपेंड करेगा और एक चीज कई बार जब फिल्म बनती है तो ऐसे स्ट्रेट में भी बनती है ऐसे स्ट्रेट नहीं होती हो सकता है फिल्म इस तरीके से फैल जाए लिक्विड के पार्टिकल्स यहां तक आ जाए उस केस में क्या होगा हमारी रॉड के ऊपर इस तरफ फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से फोर्सेस कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसीलिए हम यूज लेते हैं सिस्टम का हम एक सिस्टम बनाते हैं हम यहां पर फोर्सेस की कैलकुलेशन नहीं करते हैं हम इसको यहां से काट देते हैं यहां से इसे काट देंगे और इस पार्ट को उठाकर के मान लो मैं यहां ले आऊं इस तरीके से तो अब ये एक हमारा सिस्टम बन गया हम इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे यहां पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वही फोर्सेस रॉट के ऊपर लग रहे होंगे क्योंकि अभी ये पूरा सिस्टम है तो हम यहां पे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे ओके okay. अच्छे सिस्टम में आपने देखा होगा लोग आपको बोलेंगे कि यहां पर इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उसके कारण हमारी सर्फिस टेंशन आती है और वो फोर्स लगता है यहां पर एक चीज सब मिस कर जाते हैं कि यहां पर जो हमारे बल्क में पार्टिकल हैं उन पर भी तो इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेज लग रहे होंगे इस तरीके से तो इस केस में हम सॉल्व कैसे करें यहां पे तो सभी पार्टिकल पर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है तो सरफेस टेंशन की वैल्यूज पता कैसे की जाए अब देखो यहां पर बल्क में हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना सभी पे हर डायरेक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स होता है मान लो हमारे पास दो पार्टिकल एक पार्टिकल यहां एक पार्टिकल यहां है एक पार्टिकल यहां है, यहा है सब पे आपस में अट्रैक्शन का फोर्स है इस तरीके से तो ये तीनों पास क्यों नहीं आ जाते तीनों एक साथ क्यों नहीं आ जाते ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर उनके रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा लगने लग जाते हैं यानी कि फ्लूड में जो प्रेशर होता है प्रेशर के कारण ही तो वो आसपास नहीं आते थोड़ा दूर रिपेल करने लग जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर भले ही इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा हो लेकिन यहाँ पर इस फ्लूड का जो भी प्रेशर है उसके कारण इस पर वापस से रिपल्सिव फोर्स उतना ही लग रहा होगा तो इनके फोर्सेज का नेट इफेक्ट कुछ होता नहीं है कैसे इसको देखने के लिए आप एनर्जी मेथड से भी समझो हमारे पास बल्क में सभी जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है इसका क्या मतलब जब भी पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहां 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 सभी पार्टिकल की सेम है तो कोई पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करना चाहूं तो इसकी यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां है यहां है यहां है सभी जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम है इसका मतलब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे गिरता है इस पे नीचे की तरफ फोर्स है क्यों क्योंकि नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम है जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उस तरफ फोर्स लगते हैं यहां पर देखो हर एक पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है क्यों क्योंकि नीचे बल्ब में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है अच्छा यहां पर हमारी जो सर्फिस है उसे एक स्प्रिंग से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ये हमारी स्प्रिंग है जो खिंची हुई है उस पर इस तरीके से इधर इधर दोनों एंड पे फोर्स लग रहा है स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आना चाहती है तो यहाँ के सभी पार्टिकल इधर मूव करेंगे यहाँ के पार्टिकल इधर मूव करेंगे यहाँ के पार्टिकल इधर मूव करेंगे और हमारी स्प्रिंग देखो इस तरीके से वापस छोटी हो जाएगी इस तरीके से स्प्रिंग काम करती है लेकिन सरफेस इस तरीके से काम नहीं करती है यहां पर देखो हमारे पास सरफेस में इतने सारे पार्टिकल्स हैं अब ये सभी पार्टिकल्स बल्क में जाना चाहते हैं इस तरीके से बल्क में आना चाहते हैं अगर ये पार्टिकल्स बल्क में आएंगे तो बल्क की वॉल्यूम बढ़ जाएगी और बल्क इस तरीके से बड़ा होता जाएगा लेकिन साथ में पार्टिकल्स नीचे आ रहे तो सर्फेस इस तरीके से छोटी भी होती जाएगी तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी सर्फेस कुछ इस तरह की हो चुकी है यहां पर सर्फेस की लेंथ थी टू डी यहाँ पर लेंथ बची है सिर्फ डी यहां पर हमारा बल्क थोड़ा इतना था यहाँ पर अब देखो बल्क थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ सर्फेस से कुछ पार्टिकल नीचे आ गए तो हमारी सर्फेस भी स्प्रिंग की तरह काम करती हुई दिखाई देती है लेकिन वो स्प्रिंग की तरह काम नहीं करती है स्प्रिंग में हर एक पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे उसके कारण स्प्रिंग छोटी हुई थी यहां पर सभी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्सेस हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सरफेस छोटी होना चाह रही है दरअसल सब लोग इस तरफ आपस में नहीं खींच रहे सब अपने आप को खींच रहे नीचे की तरफ और उसका नेट इफेक्ट ऐसा होता है हमें दिखाई देता है कि सर्फेस इस तरीके से खींच रही है तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लगता है वो दरअसल सिर्फ यहां सरफेस पे लगता है बाकी जगह भी फोर्सेस होते हैं लेकिन फिर प्रेशर के फोर्सेस और दुनिया भर के फोर्सेस की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है हमारे पास नेट फोर्स सिर्फ यहाँ सरफेस पे और सरफेस पे बचता है अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पर ये यह जो फिल्म है उसके कारण इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लगेगा जितनी लंबी ये रॉड होगी अगर रॉड ज्यादा लंबी है तो इसके ऊपर इस तरफ ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज प्रपोर्शनल टू लेंथ कौन सी लेंथ ये वाली लेंथ और बस एक ही प्रोपोर्शनैलिटी है इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हो जाता है एस हम लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एस टाइम्स एल ये है हमारा सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ये कौन सा वाला फोर्स है ये इस सरफेस ने जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू आ गई है एस टाइम्स एल यहां पर हमारे पास फोर्स है एफ इज इक्वल टू एस टाइम्स एल सेम फोर्स यहां भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा अच्छा यहां नीचे भी एक सरफेस तो इधर भी ऐसे ही फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू एस टाइम्स एल हमारे पास इस रॉड के ऊपर इस सिस्टम को अगर हम देखें तो सिस्टम के ऊपर इस डायरेक्शन में दो फोर्स हैं एस एल और एस एल तो हमारे पास इस रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स हो जाता है टू टाइम्स एस एल और यही है सरफेस टेंशन बस हमें खाली ये ध्यान रखना है कि कितनी हमारी लंबी रॉड है और उसके ऊपर कितनी सरफेस फोर्स लगा रही है जैसे इस रॉड के ऊपर हमारे पास दो सरफेस फोर्स लगा रही है इसलिए हमारा फोर्स हो जाता है एफ इज इक्वल टू टू टाइम एस एल ऐसा नहीं है कि ये सरफेस एक स्प्रिंग की तरह काम करती है सरफेस में आपस में इस डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं लग रहे हैं इस तरीके से नहीं लग रहे पार्टिकल इस तरफ अंदर जाना चाहते हैं उसकी वजह से नेट इफेक्ट ऐसा होता है कि सरफेस अपना एरिया कम करना चाहती है उसकी वजह से हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स आता है पार्टिकल्स पर आप इंडिविजुअली देखोगे तो नीचे की तरफ ही फोर्स है भले ही इस फिल्म की थिकनेस कितनी भी हो भले ही यहां पर फ्लूड कहीं तक भी आ रहा हो हमें खाली ये देखना है कि यहां पर फोर्सेस दो सरफेस के कारण लग रहे हैं और वो फोर्सेस की वैल्यू हो जाती है टू टाइम्स एस एल बस यही है सरफेस टेंशन इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस रॉड पर एक सरफेस फोर्स लगाती है एस इंटू एल हमारे पास दो सर्फेस है ऊपर वाली एक नीचे वाली तो टोटल तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है टू टाइम्स एस अच्छा एस की वैल्यू में लिख सकता हूं फोर्स डिवाइडेड बाई टू यानी सरफेस टेंशन उसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर अब हम इस एस के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं वो डायमेंशन क्या हो जाएंगे फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ फोर्स के डायमेंशन होते हैं एम एल टी माइनस टू नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय लेंथ है तो ये एल से एल कैंसल आउट हो जाता है हमारे सरफेस टेंशन के डायमेंशन आ जाते हैं एम में वन टी में माइनस टू अच्छा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वैल्यू जो है अप्रॉक्सिमेटली वो होती है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव न्यूटन पर मीटर काफ़ी कम वैल्यू है सर्फेस टेंशन एक्चुअली बहुत ही छोटा सा फोर्स लगता है और ये टेम्परेचर के साथ काफ़ी बदलती रहती है अगर आप पानी को बॉयल करने लग जाओगे तो जब बॉयल होती है उस वक्त तो सर्फेस टेंशन ऑलमोस्ट गायब हो जाती है तो टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा ये सर्फेस टेंशन की वैल्यू चेंज होती है इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमारे पास ये जो रॉड है इसका लेंथ है टेन सेंटीमीटर और हमें पता करना है उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा तो इस रॉड के ऊपर देखो ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है यहां पर हमारी ये थिन फिल्म है यहाँ पे बीच में लिक्विड भरा हुआ है यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा एस एल यहाँ पर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा एस एल एस पानी की सरफेस टेंशन है लेंथ लेंथ ये वाली है तो हमारे पास फोर्स की टोटल वैल्यू आ जाती है फोर्स इज इक्वल टू टू टाइम्स एस एल यानी कि टू इंटू सर्फेस टेंशन की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो की वैल्यू है टेन सेंटीमीटर यानी जीरो पॉइंट वन मीटर और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है फिफ्टीन इंटू टेन इस माइनस थ्री न्यूटन या फिर आप बोल सकते हो फिफ्टीन मिली न्यूटन तो हमारी इस रॉड के ऊपर इस रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में इतना फोर्स आ गया तो ये रॉड इस तरफ एक्सेलरेट करना चल रही। चालू कर देगी अगर आपको पूछा इस रॉड का इस तरफ एक्सेलेशन बताओ तो वो भी आप बता सकते हो एफ इज इक्वल टू एम ए कर देना लेकिन इतना आई डोंट थिंक कोई आपसे पूछता है हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है दोनों ही एग्जाम्पल में हमारे पास एक रॉड है जो इस तरीके से मूव कर सकती है इधर उधर यहाँ पर भी एक रॉड है जो इस तरफ मूव तो कर सकती है अच्छा यहाँ पर हमने कुछ फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पर भी कुछ फोर्स लगाया हुआ है उसकी वजह से वो रुकी हुई है नहीं। तो सर्फिस टेंशन उसे इस तरफ खींच के ले जाती है टेंशन का फोर्स तो लग ही रहा है ना ओके यहाँ पर और यहाँ पर सर्फेस टेंशन का फोर्स कितना होगा सर्फेस टेंशन का फोर्स एफ होता है टू टाइम्स एस एल अच्छा दोनों में हमारा फ्लूड सेम है यानी कि एस की वैल्यू दोनों में सेम आ गई और एल की वैल्यू देखो यहां पर जो लेंथ है और यहां पर जो लेंथ है दोनों बराबर है तो इन दोनों ही रॉड पे सेम फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन का भले ही यहां पर जो हमारी लिक्विड फिल्म है वो कितनी भी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें तो ये वाली लेंथ से फर्क पड़ता है ओके और एक एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला इस केस में हमारे पास एक सर्कुलर एक रिंग है और उसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है जो रॉड इस तरीके से इधर उधर मूव कर सकती है यहां पर एक लिक्विड की फिल्म बनी हुई है अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा कितना लगेगा फोर्स होता है टू टाइम्स एस टाइम्स एल क्योंकि दो सरफेस होंगे एक ऊपर वाली एक नीचे वाली अच्छा यहां पर जो फोर्स इस तरफ लगेगा यहां पर देखो एल बदलता जाएगा अगर ये रॉड इधर सरकेगी तो हमारे पास एल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी अगर ये यह रॉड यहां पर होती तो हमारे पास देखो एल की वैल्यू सिर्फ इतनी सी आती इतनी सी तो हमारे पास इस रॉड पे रॉड इधर उधर मूव करेगी तो हमारे पास वेरिएबल फोर्स आएगा यहां पर रहेगी तो इस तरफ ज्यादा फोर्स आ जाएगा यहां पर रहेगी तो इस तरफ थोड़ा कम फोर्स आएगा ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा यहां पर हमारे पास ये रॉड रखी हुई है और इसमें दोनों तरफ हमारी फिल्म है अच्छा दोनों तरफ फिल्म है तो दोनों ही फिल्म फोर्सेज लगाएंगी इधर वाली फिल्म इस तरफ फोर्स लगाएगी टू टाइम्स एस टाइम्स एल ये वाली फिल्म इधर फोर्स लगाएगी टू टाइम्स एस टाइम्स एल और क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो यहाँ पर रॉड हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी अच्छा यहाँ पर मान लो इस साइड में जो फिल्म बनी है उसका लिक्विड कोई और है मान लो यहाँ पर हमारा वाटर था यहाँ पर हमने कोई और कोई शैम्पू डाल दिया तो सरफेस टेंशन बदल जाएगी उस केस में देखो 2SL लेंथ दोनों की बराबर है अगर सरफेस टेंशन बदल गई तो दोनों की तरफ फोर्स अलग अलग आ जाएंगे फोर्सेस अलग अलग आ जाएंगे तो ये फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा फिर ये रॉड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी या फिर आप और एक काम कर सकते हो एक पिन लो और यहां पर से इसको फोड़ दो तो यहां पर से ये सर्फिस गायब हो जाएगी सर्फिस फूट गई टूट गई तो यहां पर अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये रॉड फिर इस तरीके से इधर से रखती जाएगी जैसे इस केस में भी रॉड पे इस तरफ फोर्स लग रहा था वैसे सर्फिस टेंशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हमारे पास एक पिन है जो पानी में तैर रही है पिन तैर रही है मतलब मान लो ये पिन है तो पानी में ऐसे रखी पानी से ज्यादा भारी है तो ये नीचे डूब जानी चाहिए लेकिन उसके बावजूद ये तैर रही है अगर इसकी जगह मैं कोई थर्मोकॉल की बॉल रख दूंगा तो वो तो तैरती रहेगी वो तो हमेशा तैरेगी बॉयंसी के कारण लेकिन ये डूब जानी चाहिए ये पानी से हैवी है उसके बावजूद ये डूब नहीं रही है क्यों तैर रही है हमें ये पता करना है तो जब हम इस पिन को पानी की सर्फेस पे रखते हैं तो सर्फिस थोड़ी सी इस तरीके से बेंड हो जाती है सर्फेस एकदम से नहीं टूटती ऐसा नहीं होगा कि हमने पिन को रख दिया और तुरंत ये नीचे चली जाएगी क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है बल्क से तो यहाँ पे हमें थोड़ा तो वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर्फेस को तोड़ने में चलो उस सब में नहीं जाते है मान लो सर्फेस अभी टूटी नहीं है हमारे पास इस तरीके से सर्फेस है तो सर्फेस यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगी या फिर हो सकता है एग्जैक्टली ऊपर के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाए फोर्स कैसे लगेगा देखो यहाँ पर हमारे पास पूरी एक लेंथ एल है उस लेंथ के अक्रॉस अच्छा मैं इसका थ्री व्यू बनाता हूँ यहाँ पर हमारी एक सर्फेस है ये और ये सर्फेस इस तरीके से कुछ इस पर फोर्स लगा रही होगी अगर हम इसी का क्रॉस सेक्शन देखें यहां पर इसे इस साइड से देखें तो हमें कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा यहां पर एक सर्फेस ऐसे उसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना फोर्स लगेगा सर्फेस टेंशन टाइम्स लेंथ यानी एस एल अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे होगा अच्छा एक्चुअली इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना है हमारी सर्फेस के साथ ये एंगल कितना है और अभी हम प्रूव कर देंगे कि एंगल 90 डिग्री नहीं होता है अभी मान लेते हैं कि एंगल एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री था ये सर्फेस के एग्जैक्टली exactly नाइन्टी डिग्री एंगल था तो हमारे पास ऊपर की तरफ फोर्स आ गया एस इस तरफ भी ऊपर की तरफ फोर्स आ गया एस और इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था इसका एम तो हमें क्या करना है हमें एक्चुअली यहाँ पे मास ऑफ द पिन पता करना है हम इक्वेशन लिख देंगे ऊपर के फोर्सेस इक्वल टू तो नीचे के फोर्सेस यानी टू टाइम्स एस एल इज इक्वल टू एम जी यहां से हमारी मास की वैल्यू आ जाती है टू एस एल डिवाइडेड बाई जी वैल्यूज रखते हैं एस की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव इंटू टू इंटू एल की वैल्यू कितनी है पॉइंट वन मीटर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू अभी के लिए मान लो हम इसको टेन मान लेते हैं तो मास की वैल्यू यहां से आ जाती है पॉइंट वन पॉइंट फाइव ग्राम अगर हमारी इस दस सेंटीमीटर लंबी पिन का वजन वन पॉइंट फाइव ग्राम है तो इस फोर्स के हिसाब से वो नहीं डूबेगी हमारी पे नहीं डूबे लेकिन क्या यह जरूरी है कि इस पिन का वजन 1.5 ग्राम ही हो अगर मैं इसका वजन 1 ग्राम कर दूं तो क्या होगा तो देखो इसके ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे वाले फोर्सेस कम हो जाएंगे सरफेस टेंशन तो उतनी लगती है एस टाइम्स एल एस टाइम्स एल फिर क्या होगा इसके ऊपर ऊपर की तरफ तो फोर्स लग जाएगा कितना 15 मिली न्यूटन। और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा सिर्फ टेन मिली न्यूटन यानी इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया फाइव मिली न्यूटन का तो क्या ये हमारी पिन आसमान में उड़ती चली जाएगी नहीं 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 वो नहीं होता अगर हमारी पिन का वजन वन पॉइंट फाइव ग्राम था तो सरफेस पूरी इस तरीके से बैंड हो गई थी अगर हमारा वजन इससे कम होगा तो सर्फेस इस तरीके से पूरी बैंड नहीं होगी फिर वो थोड़ी कम बैंड होगी इस केस में हम देखते हैं कि फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा एस डॉट एल लेकिन अब वो एक एंगल थीटा पे लग रहा होगा उस केस में हम देखते हैं कि ऊपर वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाता है उसकी वैल्यू हो जाती है टू टाइम्स एस एल साइन थी और इसकी वैल्यू हो जाती है एम जी के बराबर अब मास की वैल्यू वन ग्राम कर लो चाहे पॉइंट फाइव ग्राम कर लो थीटा इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि हमारी इक्वेशन बैलेंस आउट हो जाए और ये पानी पे टिकी रहेगी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की तरफ के टेंशन के फोर्स ज्यादा होगा और ये ऊपर एक्सीट कर जाए पिन पानी से हवा में उड़ना शुरू कर दे इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये मच्छ अच्छा मच्छर पानी के ऊपर बड़े आराम से जाके बैठ जाता है हम लोग पानी के ऊपर नहीं बैठ सकते तो वो सरफेस टेंशन के कारण नहीं बैठता है मच्छर के देखो ये पैर उस पतली पिन की तरह ही है और मच्छर का एक पैर नहीं है मच्छर के चार पैर तो देख रहे हैं अच्छा यहाँ पर भी कुछ दो पैर है तो टोटल छह पैरों में मच्छर का एम डिवाइडेड है तो एम डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू टू एस एल साइन तरीके से आप लिख सकते हो अगर मच्छर किसी दिन ज्यादा खून पिया है तो उसका वजन बढ़ जाएगा नीचे की तरफ तो उस केस में क्या वो डूब जाता है नहीं उस केस में हमारा यहां पर जो एंगल है ये जो डिप हो रही है सर्फेस में डिस्ट्रॉक्शन है वो बढ़ जाता है हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है इस तरीके से मच्छर के फोर्सेस बैलेंस होते हैं हमने अभी तक देखा कि हमारी रॉड पे सरफेस इस तरफ फोर्स लगाती है अच्छा मैं फिर भी इसे जबरदस्ती इस तरफ खींच ला तो देखो इस रॉड के ऊपर फोर्स इस तरफ था हमने इसको इस तरफ खींच दिया तो हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया अच्छा रॉड यहां भी रेस्ट पे थी बाद में भी रेस्ट पे तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुई नहीं तो हमने जो वर्क किया रॉड को खींचने में जो मेहनत करी वो मेहनत गई कहाँ तो वो जो वर्क एक्स्ट्रा हमने किया था वो एक्चुअली यहाँ पर नई सरफेस जो बनी होगी देखो अभी सरफेस सिर्फ इतनी सी है जब रॉड इधर आएगी तो यहाँ पर भी कुछ सरफेस बनेगी और वो सरफेस को बनाने में ही कुछ एनर्जी खर्च होती है हमने देखा भी था कि जो बल्क होता है बल्क में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है अगर हम बल्क से पार्टिकल को निकाल करके सरफेस बनाने लगेंगे तो सरफेस की कुछ एनर्जी होगी हमारे सिस्टम की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और वही होती है सर्फेस एनर्जी उसी की हम कैलकुलेशन करेंगे यहां पर हमारी रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है टू टाइम्स एस टाइम्स एल फिर मैंने इस रॉड को इस डायरेक्शन में x अमाउंट से खींच दिया है तो मेरा जो वर्क डन हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि टू एस एल टाइम्स एक्स अच्छा यहां पर ये l और x क्या चीज है ये l और x तो ये वाला एरिया है और टू एल एक्स का मतलब क्या हुआ देखो हम तो जानते हैं यहां पे जो सर्फेस होती है एक सर्फेस ऊपर होती है एक सर्फेस नीचे होती है तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन का एस मल्टीप्लाइड बाई एक्सेस एरिया जो भी हमने नया एक्स्ट्रा एरिया बनाया है यहां पर देख के लगता है कि एरिया की वैल्यू है x टाइम्स एल लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाली सरफेस का एरिया हो गया हमारे पास ऊपर और नीचे दो सरफेस होती है तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वर्क डन बाय एरिया अब ये जो वर्क डन हमने किया था वो दरअसल इसी सर्फेस को बनाने में एनर्जी खर्च हुई है तो हम बोल सकते हैं कि ये एनर्जी सर्फेस में स्टोर हो गई है अच्छा हमने इसको इस तरफ फोर्स लगा के खींचा है तो वो यहाँ तक आई है जैसे ही मैंने ये फोर्स छोड़ दूंगा तो सर्फेस टेंशन तो अभी इसे इधर खींच रही थी तो सर्फेस टेंशन वापस इसे खींच के यहाँ तक ले आएगी सर्फिस टेंशन इस रॉड पर कुछ वर्क कर देगी तो हमारी सर्फिस में एनर्जी स्टोर तो होती है वो एक तरीके से स्प्रिंग की तरह ही काम करती है आप उसे इस तरफ खींच लाए तो आपने एनर्जी उसमें स्टोर कर दी उसे छोड़ दोगे तो वापस रॉड को इधर ले जाएगी उसमें एनर्जी वो रॉड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बढ़ा देगी ये जो वर्क था यही वर्क सरफेस बनाने में हमारी एनर्जी स्टोर हुई है तो हम लोग उसे लिख देंगे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी या फिर सरफेस एनर्जी या फिर यू डिवाइडेड बाय एरिया तो जितने भी एरिया की हम नई सरफेस बनाते हैं और उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उन्हीं का रेशियो सरफेस टेंशन होता है ये वही ऐसे हमारा एफ वाला एफ इज इक्वल टू टू एस एल वही ऐसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास मान लो एक बड़ी सी ड्रॉप है और उस ड्रॉप को हमने हजार छोटी 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 ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया तो इसमें अंतर क्या आया देखो यहाँ पर एक स्फीयर था उसका कुछ सरफेस एरिया रहा होगा फिर हमने उसे इतने सारे स्फीयर्स में तोड़ दिया तो यहां से यहाँ आते समय वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहा होगा यहाँ पे जितना पानी था उतना ही पानी इधर है लेकिन यहाँ पर सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स होंगे और सबका कुछ सर्फेस एरिया होगा इधर कुछ इनिशियल सरफेस एरिया होगा ए वन यहाँ पे कुछ होगा सरफेस एरिया ए टू और नई सरफेस बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई होगी वही हमें कैलकुलेट करनी है ऐसे ही तो होता है ऐसे पड़े पड़े एक बूंद पानी अपने आप हजार ड्रॉप में छोटे ड्रॉप में टूट नहीं जाता अगर हमें एक ड्रॉप को हजार ड्रॉप में तोड़ना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है कुछ एनर्जी देनी पड़ती है नई सर्फेस बनाने के लिए वही हम पता करते हैं यहां पर हमारा रेडियस था वन सेंटीमीटर यहां पर हम बोल देते हैं मान लो हमारा रेडियस है आर डैश सेंटीमीटर अच्छा यहां पर हमारा वॉल्यूम कितना था फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इस तरफ हमारा वॉल्यूम हो जाएगा थाउजेंड टाइम्स फोर बाई थ्री पाई आर डैश का क्यूब यहाँ पर देखो क्या क्या वैल्यूज कट गई फोर बाई थ्री पाए से या फोर बाई थ्री पाई कट गया और हमारे पास वैल्यू आ जाती है आर क्यूब डिवाइडेड बाई थाउजेंड इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब यानी हम लिख सकते हैं आर डैश इज ईक्वल टू आर डिवाइडेड बाई टेन ये हमारे पास एक इक्वेशन एक आ गई अगर हम एक ड्रॉप को हज़ार छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ देंगे तो हमारी रेडियस की वैल्यू इसकी रेडियस का वन टेंथ हो जाती है अब देखते हैं सरफेस एरिया के साथ क्या हुआ हमारा इनिशियल सरफेस एरिया ए वन की वैल्यू हो जाती है ए वन इज इक्वल टू फोर पाए आर स्क्वेयर ए टू जो हमारा फाइनली सर्फेस एरिया होगा इन सभी का मिला करके वो हो जाएगा थाउजेंड टाइम्स फोर आर डैश का आर डैश स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू आ जाती है थाउजेंड इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बाय हंड्रेड या फिर मैं लिख सकता हूं टेन इंटू फोर पाई आर स्क्वा हमारा ए टू आ गया हमें करना है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अच्छा हम देख भी सकते हैं हमारा इनिशियल एरिया था सिर्फ फोर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर फोर्टी पाई आर स्क्वायर हो गया यानी सर्फेस एरिया बड़ा है यहां से यहां आने में सरफेस एरिया बड़ा है कितना बढ़ गया है ए टू माइनस ए वन इतना हमारा सरफेस एरिया बढ़ा है यानी कि थर्टी सिक्स बाय आर स्क्वायर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है जितना हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उतनी हमें एनर्जी देनी होगी एक्स्ट्रा तो हमें जो वर्क डन करना पड़ा होगा या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई है उसकी वैल्यू हो जाती है एस डेल्टा एरिया जितना भी एक्स्ट्रा एरिया हमने बनाया है एस की वैल्यू है पॉइंट जीरो सेवन फाइव डेल्टा एरिया की वैल्यू है यहाँ से आ जाती है थर्टी सिक्स इंटू पाई की वैल्यू है पाई इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू है वन सेंटीमीटर यानी पॉइंट जीरो 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 वन स्क्वायर मीटर और यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है एट पॉइंट फाइव इंटू टेन रेसावर माइनस फोर जू तो हमें एक बूंद को हज़ार छोटी बूंद में तोड़ने में इतना वर्क करना पड़ेगा और जो हमारे एटोमाइजर होते हैं एटोमाइजर में क्या होता है एक बॉटल में लिक्विड भरा होता है लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो बहुत सारी छोटी 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 ड्रॉपलेट्स में वहां से इस तरीके से हमारा डिओड्रेंट बाहर निकलता है तो हमें वहां पे भी बहुत सारा सरफेस एरिया इसी तरीके से बनाना पड़ता है और कुछ वर्क हमें उसमें भी करना पड़ता है सरफेस टेंशन की बातें तो हमने बहुत कर ली अब समय आ गया है कि सरफेस टेंशन एस की वैल्यू किसी भी फ्लूड के लिए हम मेजर करें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे देखो हमने एक बोल में पानी भर दिया या जो भी लिक्विड भरना था जिसकी हमें सर्फ टेंशन पता करनी है यहाँ पर ये एक ग्लास की प्लेट है कुछ इस तरीके से अब मेरे पास ग्लास तो नहीं था मैंने ये इस तरीके से प्लेट बनाई है ये लटकी हुई है इस तरीके से और इसको हम लिक्विड में बस टच करके रख देते हैं जैसे ये यह यहाँ पर लिक्विड में टच होकर रखी हुई है फिर अगर यहाँ पर नीचे एम फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ एम फोर्स लगेगा हम मास की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा यहाँ पे ये ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ता चला जाएगा यहां पर इस प्लेट पर ऊपर के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है फिर भी अगर ये मूव नहीं कर रही है तो उसका रीजन क्या हो सकता है इसके ऊपर नीचे की तरफ यहां पर कुछ फोर्स लग रहा होगा सर्फेस टेंशन के कारण कैसे लगेगा देखो इसको अगर मैं यहाँ पर थ्री डी व्यू बनाऊ यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास यहां पर एक सर्फेस होगी यहां पर एक सर्फेस होगी तो यहां पर इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लगेगी यहां पर देखो इस तरीके से सभी जगह नीचे की तरफ सरफेस टेंशन लगेगी ऐसे अच्छा सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होता है फोर्स की वैल्यू होती है एस टाइम्स एल ये एल क्या होती है जो हमारी सरफेस की लेंथ है यहां पर सरफेस की लेंथ कितनी हो जाएगी इस तरीके से ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है तो यहां पर लेंथ हो जाती है हमारी टू ए प्लस टू बी ये जो भी इसका पेरीमीटर है तो हम लिख सकते हैं फोर्स एफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन टाइम्स टू ए प्लस टू बी ये हमारा फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण इसकी वैल्यू होनी चाहिए एम जी के बराबर ये सरफेस टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू है जो लग सकती है हम मास की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जब जैसे ही मैक्सिमम सर्फेस टेंशन लग जाएगी उसके बाद अगर हमने मास की थोड़ी भी वैल्यू और बढ़ा दी तो ये यहाँ से सर्विस टेंशन टूट जाएगी और हमारी ये इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी तो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको डेमांसट्रेशन करके दिखाता हूं ये हमारे पास एक प्लेट है इस प्लेट में मैंने इसे इस तरीके से रख दिया तो इसे मैं भी उठाऊंगा तो इसे मैं बड़ी आराम से उठा सकता हूं लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर पानी भर दूंगा तो पानी के कारण फिर सर्फेस टेंशन के कारण इसे बड़ी आसानी से नहीं उठा पाऊंगा ये देखो आप भी ऐसा करके जरूर देखना इसको उठाओगे तो ओ एक बार एकदम से नहीं हटती ये थोड़ा चिपक सी जाती है एकदम तो। थोड़ा तो फोर्स लग रहा है कुछ अलग से अलग तो रहा है ऐसा लग रहा है चिपक जा रही है चुंबक की तरह चिपक जा रही है तो यही है सरफेस टेंशन का फोर्स अच्छा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसी रेक्टेंगुलर एक प्लेट लें हो सकता है हम एक सर्कुलर रिंग यहां पर लगा दें उस केस में हमारी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर हमारे पास हो जाएगा टू पाई आर इसका सर्कमफेरेंस होता है तो हमारी फोर्स की वैल्यू हो जाती है एस इंटू टू पाई आर अच्छा और एक चीज यहां पर जो रिंग है उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा ऐसे हमारी एक सर्कुलर रिंग है इसका अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन की वैल्यू देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ सरफेस टेंशन लग रही होगी तो हमें यहां पर और टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के हमारी सरफेस टेंशन की वैल्यू आएगी अगर हमारी सर्कुलर रिंग है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम सर्फेस टेंशन मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली काफी कूल एक्सपेरिमेंट है यार ये देखो ज्यादा कूल cool हो गया समय आ गया है हम पानी की ड्रॉप को एनालाइज करें अच्छा पानी की ड्रॉप हम जब भी ड्रॉप की ड्राइंग बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह की ड्रॉप बना देते थे ऐसी तो लड्डू जैसी कुछ अजीब सी लड्डू भी ऐसा नहीं होता कुछ तो है ही तो ये काफ़ी गलत है पानी की ड्रॉप एक्चुअली स्फेरिकल होती है ये हम गलत बनाते हैं जो भी बनाते हैं ये वो ड्रॉप है जो किसी नल से टपकती है अगर हमारे पास एक नल है और वहाँ से पानी हमने थोड़ा सा खोल दिया तो ड्रॉप कुछ इस तरीके से टपकती है तो उसमें अभी हमें नहीं जाना हम टपकी हुई हवा में जो ड्रॉप है हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारी हवा में ड्रॉप है अच्छा इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं यहाँ पे बल्क में जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी तो इक्विलिब्रियम में होंगे इधर उधर 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 हर तरफ सेम अमाउंट में इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इधर उधर से प्रेशर के फोर्सेस भी लग रहे होंगे इसको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है सभी जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है लेकिन जो सरफेस से पार्टिकल है सभी चाहते हैं कि हम अंदर आ जाए इस तरीके से बल्क में आ जाए ये देखो तो हमारा एक स्फेर है उस स्पेयर पे चारों तरफ से इस तरीके से फोर्स लग रहा है वो सभी सर्फेस वाले पार्टिकल अंदर जाना चाहते हैं तो एक तरीके से वैसे ही हो गया कि इसके अंदर का कुछ प्रेशर ये बढ़ा देंगे चारों तरफ से इसके ऊपर कंप्रेसिव ऐसे फोर्स लग रहा है इस तरीके से सभी पार्टिकल अंदर आना चाहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रेशर है बाहर की तरफ कुछ प्रेशर है अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है देखो यहाँ पर सभी जगह कुछ सर्फेस एरिया है कुछ सर्फेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर बन जाता है तो बाहर का प्रेशर प्लस सरफेस टेंशन का प्रेशर इज इक्वल टू अंदर का प्रेशर ऐसा हो जाएगा तभी यहां पे किसी भी छोटे से एरिया पे फोर्स बैलेंस होगा और हमें वही एक्स्ट्रा प्रेशर प्रेशर कैलकुलेट करना है अगेन हमारी ड्रॉप इतनी छोटी है हम ग्रेविटी के कारण होने वाले इफेक्ट्स को इग्नोर कर देंगे या फिर ये समझ लो हम हवा में जाकर के स्पेस में जाकर वैक्यूम में कहीं पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वहां ग्रेविटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है ओके इसको सॉल्व करने की दो अप्रोच हो सकती है पहले तो आप कैलकुलस से एक छोटा सा एलिमेंट बनाओ फिर उसके ऊपर डीपी इधर से लगाओ फिर उसका डी ए होगा उसकी वजह से कुछ सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा डी एस डी एफ वो सब चीजें या फिर हम एक दूसरी अप्रोच यूज कर सकते हैं हम इस ड्रॉप को बीच में से इस तरीके से काट देंगे तो ये देखो हमने ड्रॉप को बीच में से काट दिया अब हमारे पास अंदर कुछ प्रेशर था पी इन और बाहर की तरफ कुछ प्रेशर है पी आउट पी आउट के कारण इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा देखो पी आउट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है इस तरीके से इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा लेकिन अगर सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन वाले कॉम्पोनेंट की बात करें तो हम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक एरिया है इस पूरे एरिया पर इस डायरेक्शन में हमारा प्रेशर आउटसाइड वाला फोर्स लगा रहा है ये हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था तो हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस की वैल्यू हो जाएगी पी आउटसाइड टाइम्स एरिया एरिया की वैल्यू कितनी है पाई आर ये वाला एरिया साथ में हमारे पास यहां पे देखो यहां पर हमारे पास कुछ सरफेस टेंशन इस तरफ फोर्स लगा रही होगी ये वाली जो लेंथ है सर्कम वो हो जाती है टू पाई आर तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा एस इंटू टू पाई आर अच्छा हमारे पास ये बबल नहीं है बबल में क्या होता है अंदर हॉलो होता है खोखला होता है तो वहां पे हमें एक बाहर की सरफेस मिलती है एक अंदर की सरफेस मिलती है यहां पर एक पूरी की पूरी सॉलिड फील्ड ड्रॉप है तो यहां पर दो सरफेस नहीं होंगे जैसे यहां पर एक ही सरफेस है इसलिए इस टू पाई आर को हम टू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और बस यही आ जाता है इस डायरेक्शन के फोर्स इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेज लग रहे होंगे वो फोर्सेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी पी इन साइड इन टू पाई आर स्क्वे ये सभी आर सेम है ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए तभी ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में ड्रॉप का जो हाफ है नहीं तो वो इधर उधर मूव करने लग जाएगा तो इन दोनों को बस हमें इक्वेट कर देना हमें मिलता है पी आउट इंटू पाई आर स्कू टू पाई आर इज इक्वल टू पी एन इंटू पाई आर स्क्वे देखो पाई से पाई से पाई कैंसिल आर से आर और आर स्क्वेर का आर कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू आ जाती है पी माइनस पी आउट इज इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाय आर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप इसको लिख सकते हो डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाई आर इसको याद कर लो कभी भी जब हमारे पास कोई लिक्विड की ड्रॉप होगी ड्रॉप यानी कि यहां पर एक सिंगल सरफेस है ऐसे दो सरफेस नहीं है बबल की तरह जब भी हमारे पास एक ड्रॉप होगी तो हमारे पास प्रेशर का कुछ डिफरेंस होगा अंदर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा ज्यादा क्यों होगा क्योंकि यहां पर देखो सरफेस अंदर आना चाहती है तो अंदर आना चाहती है तो उससे रोक कौन रहा है अंदर आने से यहां पे कुछ एक्सेस प्रेशर है एक्सेस प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में एक्सेस प्रेशर बाहर कुछ प्रेशर था उससे कुछ ज्यादा प्रेशर है तभी यहां पर पार्टिकल्स अंदर नहीं जा रहे हैं कितना ज्यादा है वो प्रेशर वो प्रेशर है टू एस अमाउंट से ज्यादा बस यही है ड्रॉप के अंदर का एक्सेस प्रेशर यहां पर ड्रॉप का मतलब हो गया कि एक स्वीयर है स्पेयर के अंदर पानी है और स्पेयर के बाहर एयर है लेकिन इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं ये देखो यहां पर हमारे पास एक स्पेयर है उसके बाहर पानी है और अंदर उसके अंदर हवा है ये कैसी चीज हो गई मान लो हमारे पास एक ये ग्लास है इसके अंदर छोटी छोटी जो एयर के बबल आ जाते हैं ना ये वैसी एक चीज है तो यहां पर अंदर हमारे पास है प्रेशर इन बाहर प्रेशर आउट इस बार प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी यहां पर भी हम एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो हमने पिछली बार करी थी और हमारे पास वैल्यू आ जाती है पी आउट इंटू एरिया प्लस एस इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू पी इन इंटू एरिया यानी कि पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू एस इंटू टू पाई आर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर ये पाई, से पाई कैंसिल और हमारे पास आ जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एस बाय आर यहां पर भी हमारा अंदर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है इस केस में हमने देखा था अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो अंदर पानी हो बाहर हवा हो या फिर अंदर हवा हो बाहर पानी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता हमेशा अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है और कितना ज्यादा होता है टू एस बाय आर अमाउंट से इसके एग्जाम्पल करेंगे लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें जैसे एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो यहां वाले तो अगर अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है यानी कि ये इस तरफ आना चाहता होगा पर अगर हम इसके ऊपर फोर्सेस देखें तो इसके ऊपर फोर्सेस किधर लग रहे हैं इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो देखो ना पानी को पानी खींचेगा इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे तो फिर ये अंदर क्यों आना चाहता है तो फिर इसके ऊपर क्यों अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है ये तो चाहेगा ना बल्क में चला जाऊं इस, इस, इस तरफ चला जाऊं ये चाहेगा मैं इस तरफ चला जाऊं ये चाहेगा मैं इस तरफ चला जाऊं ये चाहेगा मैं इस तरफ चला जाऊं तो प्रेशर अंदर कम होना चाहिए देखो सब पार्टिकल्स बाहर जाना चाहते हैं लेकिन क्या सब पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं नहीं हमने देखा कि प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसको आप इस तरीके से समझो हमेशा लिक्विड कोशिश करता है कि अपना सरफेस एरिया कम करें अगर ये पार्टिकल्स इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे ये देखो ये बल्फ में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये सर्किल या स्फीयर जो है वो बड़ा हो जाएगा स्फीयर का रेडियस बढ़ेगा यानी यहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी कोई सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ाना चाहता वो इस तरीके से मूव करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो इसीलिए इन पे सब पे नेट फोर्स इस तरीके से होता है अब हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्सेस डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल तो इधर जाना चाहेगा बल्क में या फिर पूरा का पूरा बल्क इधर आना चाहेगा ये भी तो हो सकता है तो यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स इस तरफ आना चाहते हैं वो कंज्यूम करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से हवा गायब ही हो जाए या पूरा का पूरी सर्फेस सर्फेस गायब हो जाए तो सारे पार्टिकल्स अंदर आना चाहते हैं इस बल्क को गायब करना चाहते हैं सॉरी इस हवा को गायब करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वो इस तरफ आते जाएंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा प्रेशर बढ़ेगा तो यहां से इस डायरेक्शन में फोर्सेस बढ़ जाएंगे और फिर ये एक जगह पे आके इक्विलिब्रियम में आकर के रुक जाएगा और अंदर प्रेशर हमें थोड़ा बस एक्सेस मिल जाता है इतना एक्सेस प्रेशर मिलता है ये बबल गायब नहीं होता यहां से पूरा गायब कैसे हो जाएगा इसे समझने का और एक तरीका है मान लो आप इसे यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट काट दो तो यहां पर सर्फिस टेंशन के कारण इधर फोर्स लग रहा होगा यहां पर सर्फिस टेंशन के कारण इधर फोर्स लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा इनका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और उसे आप यहाँ के एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको फिर प्रेशर एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा ये कैसा हो गया ये वैसा ही हो गया हमारे पास मान लो कोई रिंग होती थी उस रिंग को हम इस तरीके से ओमेगा से घुमाते थे तो इस रिंग के सभी पार्टिकल पे क्या नीचे की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगता था एम ओमेगा स्क्वेयर आर लेकिन ये फोर्स लगा कौन रहा है यहाँ पे कोई स्ट्रिंग तो होती नहीं थी स्ट्रिंग तो यहाँ पे होती नहीं थी ये रिंग बस ऐसे घूम रही होती थी फोर्स कौन लगा रहा होता था हम देखते थे कि ये हमारी जो रिंग है उसी में कुछ टेंशन आ जाती है इस तरीके से तो यहां पर भी सरफेस टेंशन इस तरीके से आ जाती है और उसके कारण अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो देख कर गलत फहमी हो सकती है कि यहां पर तो इधर फोर्स लग रहे थे इधर फोर्स लग रहे थे नहीं फोर्सेज इस पर इस तरफ ही थे बल्क इस बार अंदर आना चाहता है बल्क यहां से हवा को गायब करना चाहता है सर्फेस बल्क की तरफ नहीं भाग रही बल्क सर्फेस की तरफ भाग रहा है इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं मान लो हमारे पास पानी है उसमें एक बबल है छोटा सा उस बबल का रेडियस है वन मिलीमीटर mm. तो उस बबल के अंदर कितना <coughs> एक्सेस प्रेशर होगा तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हो जाती है टू एस बाई आर पानी के केस में टू इंटू एस की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव डिवाइडेड बाई रेडियस आर रेडियस आर की वैल्यू पॉइंट ज़ीरो जीरो वन वन मिलीमीटर था ना तो इसको सॉल्व करो और इसकी वैल्यू आ जाती है वन फिफ्टी पास कर तो उस बबल के अंदर 150 फिफ्टी प्रेशर एक्स्ट्रा होगा अब बारी आ गई है बबल की बबल में क्या होता है यहां पर हमारे पास अंदर हवा नहीं होती यहां पे यह हॉलो होता है और इसको आप इस तरीके से देख सकते हो यहां पर हमारे पास दो लेयर्स होती हैं देखो एक बाहरी लेयर है एक अंदर वाली लेयर है तो दोनों के कारण हमारे पास कुछ एक्सेस प्रेशर होगा जैसे मान लो बाहर कुछ है पी तो यहां से हम अंदर आएंगे इस फिल्म के अंदर एक सरफेस को क्रॉस करेंगे तो हमारा प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा पी ए टी एम प्लस टू एस बाई आर हमारा प्रेशर हो जाएगा फिर हमारे पास एक दूसरी सरफेस है उसको भी खोल के हम अंदर आते हैं तो हमारे पास और प्रेशर बढ़ जाएगा टू एस बाई आर तो हमारे पास जो अंदर टोटल एक्सेस प्रेशर हो जाता है उसकी वैल्यू हो जाती है फोर एस आर अच्छा इन दोनों जो रेडियस है ना ये दोनों शेर की बाहर वाली सर्फेस अंदर वाली सर्फेस उनके रेडियस थोड़े थोड़े अलग होंगे लेकिन ये हो गया हमारा रेडियस मान लो आ, वन सेंटीमीटर का और वो थिकनेस होती है फिल्म की बहुत ही कम माइक्रोमीटर्स में भी हो सकती है तो वहां पर उन दोनों रेडियस को हम सेम मान करके कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर आर प्लस आर डैश होना चाहिए था लेकिन दोनों का आप आर मान लो और हमारे पास एक्सेस प्रेशर आ जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर एस बाई आर इसे हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं फोर्सेज वाले तरीके से हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे होंगे यहां पर देखो पी ए टी एम है पी ए टी एम के कारण कितना फोर्स लगेगा पी ए टी एम इंटू एरिया एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर प्लस इस डायरेक्शन में हमारे पास सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा टू सर्फेस है टू इन टू पाई आर इन एस इज इक्वल टू पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों लिया हमने ये वाला एरिया कंसिडर किया है क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू चेक करना चाहते हैं ओके okay, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाती है वैल्यू देखो पाई से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है आर स्क्वायर से ये आर गया ये गया और हमें वैल्यू मिलती है पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू फोर एस डिवाइडेड बाई आर बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है इसको भी आप याद कर लो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है आप तो ऐसे समझो जब भी हमारे पास कोई स्फेयर होता है अगर हम एक सरफेस अंदर जाते हैं तो हमेशा प्रेशर बढ़ जाता है टू एस बाई आर और बबल में हमारे पास दो सरफेस होती हैं जिनका रेडियस दोनों का लगभग आर के बराबर होता है तो हमारा टोटल प्रेशर चेंज हो जाता है फोर एस बाई आर टू एस बाई आर प्लस टू एस बाई आर यानी फोर एस बाय आर यह एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास एक बबल था और बबल के अंदर कुछ हवा थी बबल की इस बार कुछ थिकनेस भी दी हुई है अभी तक हमें कभी भी फिल्म की थिकनेस की जरूरत नहीं पड़ी थी इस एग्जाम्पल में पड़ेगी अच्छा फिर किसी ने इस बल्ब को बबल को फोड़ दिया और फोड़ते ही फिर ये एक बूंद बन गया एक ड्रॉप बन गया तो हमें पता करना है यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई होगी हो देखो यहां पर जितना भी फ्लूड का वॉल्यूम था यहाँ पर देखो कुछ तो वॉल्यूम होगा ना इस बबल का और यहां पर जो वॉल्यूम था तो दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे हम ये मान नहीं रहे कि थोड़ा सा इस बीच में पानी वैपोरेट कर गया होगा वो सब नहीं मान रहे तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा यहां पे हमारा रेडियस है आर तो एरिया हो जाता है फोर पाई आर स्क्वेयर लेकिन ये सिर्फ एक साइड का एरिया है बाहर वाली साइड का अंदर वाली साइड का भी उतना ही सरफेस एरिया होगा आर की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी हम लगभग सेम मान लेते हैं तो इन टू टू इतना सरफेस एरिया था इनिशियली फाइनली हमारा सरफेस एरिया कुछ हो जाएगा फोर पाई आर डैश का स्क्वायर तो यहां पर सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा था यहां पर सर्फेस एरिया बहुत कम हो गया है सरफेस एनर्जी कम हो गई है और वही एनर्जी रिलीज हुई होगी उसकी वजह से हो सकता है इसका टेम्परेचर बढ़ जाए या इसकी कुछ इस तरफ कॉनेटिक एनर्जी आ जाए कुछ भी चीज़ें हो सकती है हमें तो बस ये पता करना है कि एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी रिलीज हुई उस एनर्जी का क्या हुआ ये गर्म हुई ठंडी हुई वो बाद में देखेंगे हम एनर्जी में चेंज निकालते हैं सबसे पहले हम वॉल्यूम इक्वेट करेंगे इस केस में हमारी वॉल्यूम थी वी इज इक्वल टू फोर बाय आर स्क्वेयर टाइम टी यहाँ पर ये वाला सरफेस एरिया हो जाता है फोर पाई आर स्क्वायर और उसकी कुछ थिकनेस है यहाँ पर टी इस तरीके से तो हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूड इससे आ जाता है अप्रोक्सीमेटली ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है एक्चुअली हमारा आंसर होना चाहिए फोर बाई थ्री पाई आर प्लस टी का क्यूब माइनस फोर बाई थ्री पाई आर का क्यूब लेकिन इससे और इससे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर आने वाला है क्योंकि थिकनेस टी की वैल्यू बहुत ही कम है बहुत ही पतली है वो फिल्म है ओके okay, तो ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम आ गई वही हमारी फाइनल वॉल्यूम के बराबर है तो यहां पर हम रेडियस अज्यूम कर लेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर पाई से फोर पाई कट जाता है और हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है अब हम इनिशियल सर्फेस एरिया हमारा इनिशियल सर्फेस एरिया कितना है बाहर वाला सर्फेस एरिया है फोर पाई आर स्क्वेर प्लस अंदर वाला सर्फेस एरिया भी लगभग इतना ही हो जाएगा तो इसे हम मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे ये हमारा हो गया ए वन हमारे ए टू की वैल्यू है ए टू इज इक्वल टू फोर बाय आर स्क्वायर हमारा जो चेंज इन एरिया डेल्टा ए की वैल्यू है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू अच्छा मैंने ए टू माइनस ए वन करना चाहिए था मुझे लेकिन मैंने ए वन माइनस ए टू कर दिया पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए अभी हम वेक्टर कैलकुलेशन नहीं करते हैं इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी जैसे कि पाँच स्क्वायर मीटर आ गई पचास स्क्वायर मीटर आ गई कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी इसके बाद हमें पता करना है कि सरफेस एनर्जी कितनी रिलीज हुई तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो निकली होगी उसकी वैल्यू आ जाती है एस इंटू डेल्टा ए और बस यही है हमारा आंसर जो भी वैल्यूज आपको दी जाए उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इसकी हीट कैपेसिटी दी है मान लो ये वाटर है तो उसकी जो भी हीट कैपेसिटी होती है आप उसे मल्टीप्लाई कर देना कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी तो उससे आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना बड़ा है अगर वो आपसे पूछा है इस तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत आसान आज मैं बहुत ही खुश हुई यार मेरा गिटार आया आज तो मैंने पहला गिटार खरीदा था जब मैं आई खड़कपुर में था और सेकंड ईयर में ही खरीदा था तो वो तो पड़ा हुआ आई थिंक उसको दस साल हो गए अभी फिर सीखने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए था तो फाइनली इलेक्ट्रिक गिटार आया पहले ब्लैक कलर में मिल रहा था पर मैंने कहा यार रेड कलर लेते हैं फोटोज अच्छी आएंगी तो अब रेड कलर में मिल गया ओके <laughs> अब बस बजाना सीखना है इसे बड़ा मुश्किल है देखते हैं क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें जैसा हमें देख के लगता है वैसा होता नहीं है हमारे पास एक ट्यूब है उस ट्यूब से दो बबल्स कनेक्टेड है तो यह वैसा ही है कि एक ट्यूब है उसमें हमने दोनों तरफ दो गुब्बारे बांधे हुए हैं दोनों के अंदर कुछ हवा है और हमें इसे एनालाइज करना है अच्छा दोनों का हमें रेडियस दिया हुआ है आर ए इसका रेडियस है आर बी अच्छा यहाँ पर कुछ प्रेशर है पीएटीएम तो यहाँ पर भी प्रेशर होगा पी ए टी एम क्योंकि दोनों हवा में ओपनली कनेक्टेड है अब हमें देखना है होता क्या है देखो यहां पर है प्रेशर पी ए तो यहां से जब अंदर जाएंगे हम तो यहां पर बबल है यहां पर हम दो बार सरफेस को क्रॉस कर रहे तो हमारा प्रेशर कितना बढ़ जाएगा एक्सेस प्रेशर की अगर मैं वैल्यू लिख तो वो आ जाता है फोर एस ए डिवाइडेड बाई आर ए यहां पर एस ए इस फ्लूड की सर्फेस टेंशन है आर ए इस बबल का रेडियस है इसी तरीके से यहां पर जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर एस बी डिवाइडेड बाई आर बी

मान लो गलती से ये आ रे थोड़ा सा छोटा हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया तो उस केस में देखो यहां पर आ रे थोड़ा सा छोटा होगा तो ये टोटल वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी यानी इस केस में हमारा प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा यहां से अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो देखो ये कनेक्टेड है तो फ्लूड है तो इस तरफ प्रेशर फ्लो होने लग जाएगा अरे रे फ्लूड फ्लो होने लग जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर यहां से फ्लूड इस तरफ फ्लो हुआ तो यहां पर वॉल्यूम कम हो जाएगा यानी इसका रेडियस और छोटा होगा और इसका रेडियस और छोटा होगा तो ये वाली टर्म देखो ये वाली टर्म और बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा जितना छोटा इसका रेडियस उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर तो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये पूरी हवा इस तरफ निकलती जाएगी तो हमारा बबल पहले ऐसे छोटा होगा फिर और ऐसे छोटा होगा फिर और ऐसे छोटा होगा छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा बबल ऑलमोस्ट ज़ीरो रेडियस पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे ये रेडियस थोड़ा बड़ा होता जाएगा इस तरीके से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम ऐसा देखते हैं कि दो बबल इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो पूरी हवा एक में से निकल के दूसरे में चली जाती है क्योंकि कुछ भी कर लो आप इसमें एक दो एटम मॉलिक्यूल तो ज्यादा ही होंगे यानी ये रेडियस एग्जैक्टली मैच तो नहीं करने वाले कोई ना कोई एक रेडियस तो कम ज्यादा होगा और ये उस तरफ फ्लो करने लग जाएंगे तो ये हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है जैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अगर इसको थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा दोगे तो पूरा इधर चला जाएगा या फिर इसका थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर इसकी जगह हम कंपेयर करें यहाँ पे हम मान लो दो रबड़ के गुब्बारे जो होते हैं उनको बांध देते हैं यहाँ पर उस केस में ऐसा नहीं होता उस केस में क्या होता है दोनों इस तरीके से एक्ट करते हैं कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हवा चली जाएगी उसकी वजह से दोनों में सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर आ जाता है उस केस में अगर आप ऐसा कर दो कि पूरी हवा एक गुब्बारे में भर दो तो वहां प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और फिर थोड़ी हवा इस तरफ दूसरे में निकल जाती है लेकिन बबल्स के केस में उल्टा होता है तो ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है कभी तो करके देख सकते हो बस ये सोचना है ये बबल्स बनाओगे कैसे सर्फ टेंशन में अभी तक हम आइडियल केस में खेल खेले थे अब आते हैं थोड़ा रियल लाइफ में यहां पे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन समझेंगे ओके हमारे पास देखो कुछ फ्लूड्स हैं जैसे कि वॉटर हो सकता है मर्क्यूरी हो सकता है उन्हें जब भी हम किसी टेस्ट्यूब में डालते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कर्वेचर आ रहा है यहां पर कुछ इस तरीके से कर्वेचर आ रहा है इसे बोला जाता है अभी वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है और सब में एक जैसा क्यों नहीं होता जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने तो हमने पढ़ा था कि सरफेस हमेशा इस तरीके से होती है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर हमारी सरफेस आ जाती है लेकिन यहां पर सर्फेस ऐसी कर्वेचर लेकर के क्यों है वही सब इस टॉपिक में हमें समझना है अच्छा इसे समझे कैसे देखो कुछ तरह के फोर्सेज होते हैं कोहैसिव फोर्सेज और एडहेसिव फोर्सेज इनमें अंतर क्या है कोहेसिव फोर्सेज यानी किन्हीं भी दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वाला फोर्स जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स या फिर मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच का जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स क्यों क्योंकि एक जैसे लाइक like मॉलिक्यूल्स है अगर हम अलग अलग दो मॉलिक्यूल्स के बीच अलग अलग तरह के दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की बात करें तो वो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं जैसे कि हमारे मर्करी और वाटर के बीच में जो भी फोर्सेस होंगे उसे हम एडहेसिव फोर्सेस बोलेंगे या फिर वाटर एंड ग्लास के बीच में जो भी फोर्सेज लगेंगे अट्रैक्शन के वो एडहेसिव फोर्सेज होंगे वो कम हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उनका नेचर एडहेसिव बोला जाएगा क्योंकि दो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं इसी तरीके से मरकरी या कोई और चीज़ उनके बीच में भी कुछ एडहेसिव फोर्सेज होंगे जब भी हमें कोई चीज़ें चिपकानी होती है तो हम उसमें एडहेसिव लगाते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल कुछ और तरीके कागज दूसरी तरफ भी हमारे पास मान लो कागज़ है लेकिन बीच में तो ग्लू है तो ग्लू एंड कागज दोनों अलग अलग हैं तो एडहेसिव फोर्सेज उनके बीच में होते हैं और इस तरीके से चीज़ों को चिपकाया जाता है अब देखते हैं यहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं स्टार्टिंग में मान लो हमारी सरफेस ऐसी नहीं थी हमारी सरफेस एकदम इस तरीके से स्ट्रेट थी फिर क्या हुआ होगा देखो यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पर तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है क्योंकि उनके ऊपर इधर इधर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेज है लेकिन नेट रिजल्टेंट फोर्स उनके ऊपर नीचे की तरफ आ जाता है अभी ग्रेविटी को अगर हम भूल भी जाए तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है और पानी की सर्फेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है तो यहां पर हमारे पास सर्फेस एकदम इस तरीके से आ रही है लेकिन अगर मैं यहां पे किसी मॉलिक्यूल को पकड़ू तो उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स लग रहे होंगे उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा पानी के कारण इस तरीके से जो कि को है? पानी ने पानी लगा है. साथ में इसके ऊपर कुछ फोर्स इधर लग रहे जो ग्लास ने पानी लगा है देखो और ये हर तरफ है मतलब ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं इन सभी का नेट रिजल्टेंट हो सकता है इस तरफ आ जाए और काफी ज्यादा आ जाए इस तरफ थोड़ा कम यहां ज्यादा फोर्स है तो इसके ऊपर नेट फोर्स अभी किधर हो जाएगा मान लो इस तरफ हो गया साथ में कुछ ग्रेविटी का भी फोर्स है तो मान लो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास इस तरीके से आ जाता है तो यहां पर जो सरफेस है वो इसके परपेंडिकुलर होने की कोशिश करेगी इस तरीके से अब वो कैसे होएगी तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहां पर हमारी सरफेस कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है यहां पर ये यह जो भी मॉलिक्यूल है ना उसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इसीलिए वहां पर सरफेस इस तरीके से टेढ़ी है जो कि नेट फोर्सेस के परपेंडिकुलर होती है अब देखते हैं मर्क्यूरी में क्या हो रहा होता है मर्क्यूरी में मान लो हमारे पास इस तरीके से इस तरीके से हमारी सरफेस थी तो यहां पर जो भी मॉलिक्यूल था उसके ऊपर मर्करी ने तो इस तरीके से फोर्सेज लगाए जो कि को ऐसे फोर्सेज हैं मर्करी ने मर्करी के ऊपर एक तरीके के मॉलिक्यूल्स ने दूसरे मतलब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेज लगाए साथ में कुछ फोर्सेस ये बाकी चीजों के ऊपर भी मरकरी के मॉलिक्यूल लगा सकते हैं अच्छा ये जो एडहेसिव फोर्सेस है किसी और जैसे मान लो यहां पे ग्लास की दीवार है ग्लास ने मरकरी पे जो फोर्स लगाया वो बहुत ही कम होता है ग्लास छोड़ो यहां पे आप कोई भी चीज रखो मरकरी का ये जो खुद के साथ वाला कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है तो इनका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है एडहेसिव फोर्स बहुत कम है साथ में कुछ ग्रेविटी का भी फोर्स है तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हम देखें तो मान लो कुछ ऐसा आ जाता है कुछ इस तरीके का तो यहां पर जो सरफेस है वो फिर से अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगी कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए और इसीलिए हमारी सर्फेस मरकरी में कुछ इस तरीके से हो जाती है यहां पर हम देखते हैं कि एडहेसिव फोर्सेस यानी कि ग्लास के साथ वाला फोर्स पानी के साथ वाले फोर्स से ज्यादा था इसीलिए देखो पानी जाकर के ग्लास से चिपक गया यहां पर हम देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स यानी मरकरी का मरकरी के साथ वाला फोर्स काफी ज्यादा है ये बाकियों के साथ वाला फोर्स काफ़ी कम है तो मरकरी देखो कोशिश करेगा कि वो मरकरी से ही चिपका रहे वो ग्लास के साथ इस तरीके से चिपकने की कोशिश नहीं करेगा इस तरीके से हमारे एडेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेस काम करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोहेसिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेज और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडहेसिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेज बस यही है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेकिन इसमें एंगल तो हमने डिफाइन ही नहीं किया अच्छा यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं तो हम किसी एंगल डिफाइन करें हम इसको भी एंगल बोल सकते हैं ये एक एंगल थीटा हो गया तो इस केस में वो एंगल ये हो जाएगा ये वाला एंगल थीटा हो सकता है या फिर किसी एंगल बोलूँ मैं <laughs> इसको भी मैं एंगल थीटा डिफाइन कर सकता था तो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के कन्वेंशन बनाया उनने बोल दिया कि हम इसी को एंगल बोलेंगे थीटा, ये थीटा हो जाएगा और हमारा यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा देखो इस तरीके से यहाँ पर जो भी सरफेस नीचे आ रही होती है ना इससे आप ऐसे कैलकुलेट करो तो यहाँ पर ऑप्टिज़स एंगल हमें मिल रहा है यहाँ पर हमें ऑप्टि एंगल नहीं मिल रहा बहुत ही कम एंगल मिल रहा है और कई बार ऐसा भी होता है आप इस एंगल को ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो मतलब इतना ज्यादा यहां पर एडहेसिव फोर्स हो जाएगा तो आप इसे ऑलमोस्ट जीरो भी मान सकते हो कुछ फ्लूड्स के लिए इस फ्लुइड के लिए नहीं इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को आप कैलकुलेट करते हैं ये शायद आपके कहीं काम ना आए लेकिन समझना बहुत जरूरी है और ठीक है यार समझ लो ओके हमारे पास ये एक सर्फेस है और यहां पर एंगल पहले तो देखो ये वाला एंगल जो होता है ना इस तरीके से इसे हम बोलते हैं एंगल थीटा ये एंगल थीटा सिर्फ यहां सरफेस पे होता है उसके बाद देखो ये एंगल चेंज हो जाता है यहां पर यह एंगल कुछ और होगा और हो सकता है लिक्विड यहां से इस तरीके से जा रहा होता है यहां पर इस तरफ अगर ग्रेविटी होती तो यहां पर आगे क्या हो रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है हमें सिर्फ ये छोटे से इस रीजन में वहां पर देखना होता है हो क्या रहा है ओके अब हमें देखना है सर्फेस टेंशन हम जिस सर्फेस टेंशन की बात करते हैं वो एक्चुअली फोर्स कौन सा है सर्फेस टेंशन यहां पर इस डायरेक्शन में लग रही होगी इस जगह पे ठीक है तो उसे हम इस तरफ ड्रॉ कर देंगे ये है हमारा सरफेस टेंशन वाला फोर्स इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एस इंटू लिक्विड एयर में पे लिख देता हूं क्यों लिक्विड एयर लिखा क्योंकि यहां पर लिक्विड और एयर का इंटरफेस है इसी तरीके के हमारे दो और इंटरफेस है एक इंटरफेस है लिक्विड और सॉलिड का और एक इंटरफेस है एयर एंड सॉलिड का तो उनके कारण भी कुछ फोर्सेस लगते हैं एग्जैक्टली उसे आप सरफेस टेंशन मत समझो लेकिन कुछ और फोर्सेस हैं वो तो यहां पर इस तरफ फोर्स लगेगा एस इंटू लिक्विड एंड सॉलिड यहां पर फोर्स लगेगा एस इंटू लिक्विड सॉरी सॉलिड एंड एयर अब आप बोलोगे कि यहां पर तो एक ही मॉलिक्यूल था हम उसकी बात कर रहे थे तो यहां पर यह सॉलिड एयर वाली बात क्यों आ गई यहां पे तो लिक्विड है तो सॉलिड एयर का यहां पे क्या काम आप एक काम करो यहां पे दो मॉलिक्यूल बनाओ इस तरीके से एक हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये वाला और इस पर इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है एस कौन सा है ये लिक्विड एयर इंटरफेस वाला इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो होगा एस लिक्विड सॉलिड इंटरफेस वाला और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एस इंटू सॉलिड एयर इंटरफेस वाला इसमें जो हमारी सरफेस टेंशन है वो ये वाली फोर्स है हम अभी तक ये पढ़ते आते हैं जो सरफेस इस तरफ फोर्स लगाती है सरफेस इस तरीके से फोर्स लगाती है ये सब बाकी एडेसिव को फोर्सेस हैं और इनमें अब आप लेंथ यूनिट लेंथ या कोई भी डी लेंथ मान लो तो वो फोर्सेस सभी से मल्टीप्लाई करोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगी लेंथ का यहां पे यूज हमें नहीं करना है ये एंगल है हमारा थीटा ये एंगल है थीटा हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अपने फोर्सेस को बैलेंस आउट कर देना है ठीक है तो उसकी इक्वेशन में लिख देता हूं S सर्फ एस सर्फ सॉलिड एयर इज इक्वल टू एस लिक्विड एयर कॉस थीटा प्लस एस लिक्विड सॉलिड बस यही है हमारी इक्वेशन आ गई है तो ये इक्वेशन है इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं यहाँ पर एस लिक्विड एयर हमारी ये सरफेस टेंशन थी यहाँ पर एस लिक्विड सॉलिड क्या है ये लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स के बीच वाले हमारे एडहेसिव फोर्सेज हैं और ये एस सॉलिड एयर क्या है यहाँ पर हमारा सॉलिड और एयर के बीच वाले एडहेसिव फोर्सेज हैं तो इन एडेसिव फोर्स एडहसिव फोर्स एंड सर्फेस टेंशन के हिसाब से हम एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस जैसे कि ग्लास हो गया यहाँ पर यहाँ पर पानी हो गया और यहाँ पर हवा है तो इनके लिए पानी के लिए थीटा की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी मान लो उसकी वैल्यू आ गई एट्टी डिग्री तो वो कॉन्स्टेंट है वो हमेशा एट्टी डिग्री रहने वाली है अच्छा टेम्परेचर बदलेंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बदलती है साथ में ये एडेसिव फोर्सेस बदल सकते हैं उस केस में थीटा बदल सकता है लेकिन किसी भी गेवन टेम्परेचर पे हमारे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है और क्वेश्चंस में अक्सर वो हमें दी होती है तो ये सब हमें सॉल्व करना नहीं होता ये सब समझना जरूरी था अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब क्या होती है कोई भी जैसे पतली सी ट्यूब होती है तो उसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब ये एक थिन ट्यूब होती है इस ट्यूब का फायदा क्या होता है देखो अगर हम किसी भी पतली ट्यूब को इस तरीके से पानी में डुबोते हैं तो यहाँ पे हमारी सरफेस का लेवल ये है लेकिन इस ट्यूब के अंदर जो लेवल ऑफ वाटर है वो थोड़ा ऊपर होता है इसी तरीके से अगर हम मकरी से भरे हुए एक बॉल में किसी कैपिलरी ट्यूब को डालें तो यहाँ पर मकरी का सरफेस देखो इस तरीके से लेकिन इस ट्यूब के अंदर पतली ट्यूब के अंदर लेवल थोड़ा नीचे होता है यहाँ पर लेवल ग्रेविटी देखो नीचे की तरफ है फिर भी पानी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है और यहां पर थोड़ा मरकरी नीचे आ गया ये क्यों हो रहा है यही हम समझेंगे कैपिलरी ट्यूब में यहां पर लिखा है कि कैपिलरी एक पतली ट्यूब होती है थिन ट्यूब तो वो ट्यूब कितनी पतली होनी चाहिए मतलब क्या ये थिन है या फिर एक जो सुई होती है वो थिन है किसे हम थिन बोलेंगे हमने अभी देखा था कि यहां पर हमारी सरफेस देखो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ऊपर चढ़ जाती है अब मैं इसी को इस कैपिलरी ट्यूब को ही मैं यहां पर बनाता हूं मान लो हमारी ये ट्यूब है और इस ट्यूब में हमारे पास इस तरीके से सरफेस होती है यहां पर देखो जो एज है ये ग्लास की एज है एज के आसपास लिक्विड ऊपर की तरफ खिंचा चला आता है क्यों क्योंकि इस वाटर का एडहेसिव फोर्स इस ग्लास के साथ ज्यादा है तो वाटर कोशिश करता है कि वो ग्लास के साथ चिपका रहे और ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ जाता है लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा दूर आए तो यहाँ सरफेस को नहीं पता चलता कि इतनी दूरी पे ग्लास है या क्या चीज है तो यहां हम कह सकते हैं सरफेस को फर्क नहीं पड़ता कि इस एज पे क्या हो रहा होगा ठीक इसी तरीके से जैसे यहां पे हमारे पास सरफेस है इस सरफेस को फर्क नहीं पड़ता कि एज पे ग्लास है या कैपिलरी ट्यूब है ये अपने एक लेवल पे रहती है जो कि ग्रेविटी के कारण हमारा स्ट्रेट लेवल आता है वाटर का जो भी लेवल होना होता है वो हो जाता है लेकिन सरफेस के पास हमारे पास इस तरीके से कुछ कर्वेचर आता है अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल कर्वेचर आता है इस तरीके से सर्कुलर मतलब हमें चीजें मिलती हैं अच्छा ये वाली ट्यूब देखो काफी चौड़ी है इसमें सरफेस यहाँ पे काफी ज्यादा दूर है और यह रेडियस बहुत ही छोटा सा है इसलिए हमें बीच में एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां जा, पे उसे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ग्लास है कि कैपिलरी एक्शन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए इस केस में हम देखते हैं कि वाटर ऊपर राइज नहीं करता है दरअसल यहां वाले वाटर को इसके फोर्सेस के कारण इस सर्फेस टेंशन के कारण कोई असर ही नहीं पता चलता फिर हम क्या करते हैं इस ट्यूब को हम थोड़ा पतला करते हैं देखो ये वाली वॉल को उठाकर मैं अगर इधर खींच दू तो हमारी ट्यूब कुछ इतनी सी बन जाएगी जो मैंने यहां पर बनाई हुई है यहां पर हमारे पास कॉर्नर्स में तो एग्जैक्टली exactly वही कर्वेचर दिखाई देगा लेकिन बीच वाला ये जो इतनी बड़ी सर्फेस थी अब वो बहुत ही छोटी सी बची हुई है लेकिन अभी भी ये कैपिलरी ट्यूब नहीं कहलाएगी यहां पर अभी भी उतना ज्यादा राइज हमें देखने को नहीं मिलेगा तो एक काम करते हैं इस ट्यूब को और पतला करते हैं तो ट्यूब को मैंने और पतला कर दिया अब देखो यहां पर हमारे पास ये जो दो अलग अलग आप बोल सकते हो ये एक रेडियस के बराबर है तो ये दोनों अब काफी पास आ चुके हैं अब ये इस तरीके से चिपक चुके हैं और अगर मैं इस ट्यूब को और पतला कर दू देखो और ज्यादा पतला कर दिया तो अब इस रेडियस की वैल्यू से भी ये पतली हमारी ट्यूब का रेडियस आ गया इस केस में हम देखते हैं कि ये पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है यहां पर हम बोलते थे कि हमारे पास एक सरफेस है सरफेस है यहां पर हम सर्फेस का टर्म का यूज नहीं करते हम बोलते हैं यहां पे हमारे पास एक मेनिस्कस है मैनिस्कस क्या होता है ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो भी चीज़ ऊपर चली जाती है या यह फिर यहां पर इस केस में हम देखते हैं कि जो नीचे आ गया है, उसे हम बोलते हैं मेनिस्कस तो ये फॉर्मेशन इसे हम बोलेंगे मेनिस्कस यहां पर हम देखते हैं कि सर्फेस एंगल नाइन्टी डिग्री से कम है नाइन्टी डिग्री से कम है और यहाँ पर हमें दिखता भी है कि पानी का ग्लास के साथ एडहेसिव फोर्स काफी ज्यादा है इसीलिए तो पानी ग्लास के साथ चिपकना चाहता है और इस तरीके से ऊपर स्प्रेड हो जाता है थोड़ा तो इस केस में जहां पर हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है या फिर आप सीधे सीधे समझो कि जहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस ग्लास और वाटर वाले ज़्यादा हो रहे हैं वहां पर हमारा पानी ऊपर राइज करता है और पानी के साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं कोहेसिव फोर्सेस है तो पानी हमेशा राइज करता है प्लांट्स में भी हम देखते हैं पानी ऊपर ट्री की टिप तक चला जाता है टॉप तक एकदम वहीं मरकरी की अगर हम बात करें तो मर्करी के कोहेसिव फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं मर्करी को ग्लास से जितना अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है उससे कहीं ज्यादा मरकरी का दूसरा आइटम उसे अपनी तरफ खींचता है इसीलिए मर्करी ग्लास से चिपकने की कोशिश नहीं करता है और मर्करी अदर अपने बल्ब के अंदर जाने की ज्यादा कोशिश करता है इसीलिए हमें यहां पर एक ऑप्टूज एंगल इस तरीके से मिलता है ये भी मैं बना देता हूं जब हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है तो लेवल राइज करता है कैपिलरी में और अगर हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्ट्यूस होता है तो हमारा लेवल नीचे चला जाता है अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे आता है कैपिलरी ट्यूब की कैलकुलेशंस देखकर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन दो लाइन में ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएंगी देखना कैसे पहले तो हम कुछ चीजें जो अज्यूम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा मेनिस्कस जो है उसे हम स्फेरिकल मानते हैं स्फेरिकल मेनिस्कस होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल हो मान लो हम ट्यूब को बहुत ज्यादा लंबा कर देंगे तो अभी हमने देखा था कि हमारा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का आएगा वो तो स्फेरिकल नहीं है पर हम हमारी कैपिलरी ट्यूब्स के लिए उसे स्फेरिकल मान लेते हैं जनरली कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है इसलिए ऐसा होता है दूसरी चीज हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा तो ये किसी भी मटेरियल के कॉम्बिनेशन के लिए जैसे वाटर एंड ग्लास या फिर वाटर एंड प्लास्टिक या फिर वाटर एंड वुड इनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट होता है फिक्स वैल्यू होती है किसी भी टेम्परेचर पर तो यहां पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो यहां होगी और यहां पर भी वही थीटा होगा सभी जगह वो थीटा कॉन्स्टेंट होता है यहां पर हमारे पास एक रेडियस है ए ये है हमारी कैपिलरी ट्यूब का इनर रेडियस यहाँ पर बाहर भी कुछ रेडियस हो सकता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें तो ए की रेडियस इनर रेडियस की वैल्यू पता है जिसकी वैल्यू है ए अब देखो क्या होगा यहां पर हमारे पास कुछ आ गया तो एक काम करता हूँ पूरा इस तरीके से बना देता हूं हमारे पास एक इस तरीके का स्फीयर आ जाता है जिसका एक छोटा सा पार्ट ये वाला वो यहां पर लिक्विड का मिनेस्कर्स बना रहा है ओके अब इसको आप एक अगर बबल की तरह ट्रीट करो बबल में क्या होता है जब भी हमारे पास बबल होता है तो अंदर की तरफ प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है यहां पर प्रेशर कम होता है क्योंकि बीच में एक सरफेस है तो हमारे पास हमेशा एक कॉन्केव साइड होती है कॉन्वेक्स साइड होती है कॉन्केव देखो ये यह, यहाँ पे केव जैसी बनी हुई है ना तो इसे कॉन्केव साइड बोलते हैं ये कॉन्वेक्स साइड है कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से कितना ज्यादा होता है प्रेशर प्रेशर ज्यादा होता है टू एस बाय आर यहां पर रेडियस कौन सा होता है इस स्फीयर का रेडियस यानी कि ये वाला रेडियस आर हम लिख देते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाई आर यहां पर सभी जगह हमारे पास होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों क्योंकि ये ओपन सरफेस है मतलब ओपन है ये सब एटमोस्फेयर तो इस पॉइंट का भी प्रेशर आ जाता है पी ए टी एम इसी तरीके से यहां पर भी प्रेशर आ जाएगा पी ए टी एम और यहां पर पी ए टी एम है तो इसी लेवल पे अगर मैं इस जगह पे आऊंगा तो यहां भी आ जाएगा पी ए टी एम यहां पर है प्रेशर पी एटीएम और जैसे ही हम सरफेस को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी टू एस बाई आर कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर थोड़ा कम होगा तो प्रेशर कितना कम हो जाएगा पी ए टी एम माइनस टू एस बाई आर वो इस पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा फिर हम यहां से एच हाइट नीचे जाएंगे तो हमारा प्रेशर फिर से बढ़ेगा कितना बढ़ जाएगा प्लस रो जी एच और उसकी वैल्यू फिर से कितनी हो गई है पी ए टी एम के बराबर क्योंकि यहां पर हमारे पास प्रेशर है पी ए टी एम इज इक्वल टू पी एटीएम बस यही इक्वेशन है पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसल और हमारे पास आ जाए टू एस बाई आर इज इक्वल टू रो जी एच यही हमारी कैलकुलेशन है बस अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई यहां पर देखो हमने जो रेडियस आर यूज किया है वो दरअसल ये जो भी ड्रॉप बबल जो भी बन रहा है उसका रेडियस है आर वो वैल्यू हमें नहीं पता हमें क्या पता है हमें ट्यूब का रेडियस दिया जाएगा ए तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्री का यूज करके इस आर और ए में रिलेशन निकालना होगा जो कि बहुत ही सिंपल है अच्छा ये हमारा कॉन्टैक्ट एंगल अगर होता है थीटा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी हो जाता है थीटा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए इस वैल्यू को आप रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टू एस डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है ए इंपाउन कॉस्ट थीटा तो कॉस्ट थीटा आ जाएगा हमारा ऊपर इज इक्वल टू रो जी एच अब किसी भी कैपिलरी ट्यूब में हमारा देखो ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है लिक्विड के लिए एस और कॉस्ट थीटा दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होगी रो और जी कॉन्स्टेंट है किसी भी लिक्विड के लिए तो किसी भी कैपिलरी ट्यूब के लिए जो एच हाइट का राइज होगा वो कांस्टेंट आ जाता है मान लो हमने कैपिलरी ट्यूब डाल दी तो हमें पता होगा कि इस कैपिलरी ट्यूब में दो सेंटीमीटर की हाइट आनी है तो दो सेंटीमीटर की आनी ही है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका होता है उस तरीके में हम क्या करते हैं देखो यहां पर सरफेस टेंशन के कारण हमारे पास एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो ये जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ एल लेंथ एल कितनी है ये है टू पाई इंटू ए तो हमारे पास यहां पर ऊपर की तरफ जो फोर्सेज आ जाते हैं उसकी वैल्यू हो जाती है ऊपर की डायरेक्शन वाले फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू टू पाई ए इंटू कॉस थीटा इस ऊपर की तरफ वाले फोर्स को हम इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ प्रेशर आ जाएगा और वो हो जाता है प्रेशर डिफरेंस तो इसे मैं डिवाइड कर दूंगा पाई ए स्क्वेयर से और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ डेल्टा पी और वही डेल्टा पी इस रो जी एच के बराबर भी होना चाहिए उसे मैं कर दूंगा रो जी एच के बराबर यहां से देखो यहां से भी हमारे पास सेम फॉर्मूला आता है टू एस डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी एच तो आप ये अप्रोच यूज करो या ये वाली अप्रोच यूज करो दोनों से आंसर सेम आ रहा है और इतना ही सिंपल है कैपिलरी ट्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये देखो ये हमारे पास एक सेटअप है इस सेटअप में मान लो ये हमारा मीन लेवल होना चाहिए था सभी जगह इस लेवल पे फ्लूड होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के कारण देखो सभी जगह ऊपर थोड़ा सा हमारा लिक्विड राइज कर गया है और सभी जगह पे अलग अलग हाइट से हमारा लिक्विड राइज किया है तो ऐसा हुआ क्यों होगा यहाँ पर लिक्विड सभी जगह मान लो वाटर है और सभी जगह पे हमारा ये मटेरियल ग्लास है तो वाटर ग्लास इंटरफेस पर हमारे थीटा की वैल्यू हमेशा सेम आएगी लिक्विड की डेंसिटी सभी जगह सेम है ग्रेविटी सभी जगह सेम है सरफेस टेंशन की वैल्यू सभी जगह सेम है यानी हाइट सिर्फ ए का फंक्शन आ रही है अगर हमारा ए की वैल्यू कम होगी तो एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अगर हमारे ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एच की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहां पर हम देख सकते हैं और पता चलेगा इससे कि यहां पर अगर मैं इसको बोल दू आर वन तो आर वन सबसे छोटा इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा हाइट आई है आर टू से बड़ा है इसी तरीके से आर थ्री उससे भी बड़ा है यहाँ पर तो मुझे देख करके ये सेम लग रहेगा नहीं थोड़ा सा अंतर है तो आर फोर उससे भी बड़ा है और यहाँ पर आर फाइव सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसको आप बोल सकते हो कि आर फाइव इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें कैपिलरी एक्शन भी नहीं हो रहा होगा जो लेवल होना चाहिए था पानी का उतना ही यहाँ पर है कैपिलरी ट्यूब का एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है जो कि पानी की है और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है इसका ए यानी ट्यूब का रेडियस हमें दिया गया है पॉइंट फाइव मिलीमीटर और हमें थीटा दिया गया है थीटा की वैल्यू है जीरो डिग्री अच्छा जीरो डिग्री बता दिया यानी एकदम इस तरीके से होना चाहिए अब हमें करना है पता कि ये हाइट जितना ऊपर आया वो कितनी होगी एक चीज़ पहली बात मुझे यहाँ पे ये बताओ इस हाइट को हम मेजर कहाँ से करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड सरफेस है जहाँ से हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर हम यहाँ पे एच को मेजर करेंगे यहाँ पे मेजर करेंगे कहाँ पे मेजर करेंगे तो आप समझ लो हम यहाँ पे मेजर करते हैं वैसे ये आपसे कोई पूछेगा नहीं पर आप इसको बोल सकते हो कि हम इस पॉइंट पर सेंटर वाले पॉइंट पर एच को मेजर करते हैं ठीक है जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास ए की वैल्यू है ये वाली हमें पता करना है पहली बात तो ये रेडियस कितना होगा अच्छा हमारे पास कॉस थीटा थीटा की वैल्यू आ जाती है जीरो डिग्री क्वेश्चन में दी गई है तो ये आर और ए की वैल्यू सेम आने वाली है या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या मान लो हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है तो एक काम करते हैं यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू दी गई है जीरो डिग्री यानी कि ये लिक्विड पूरा इस तरीके से चिपक चुका होगा उसके केस में हमारे पास एग्जैक्टली exactly एक ऐसा हेमिस्फेरिकल आ, मेनिस्कस आएगा यहाँ पर ये exactly एग्जैक्टली इस तरीके से जाएगा और हमारा रेडियस जो इस हेमिसफेयर का रेडियस है और इस ट्यूब का रेडियस दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी अच्छा अगर हमारे पास इस का एक सर्फेस होती है कर्व सर्फेस तो उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना होता है हमारा डेल्टा पी होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू रो जी एच सभी वैल्यूज रखो टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर यानी इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू रो की वैल्यू होती है टेन रेस टू पावर थ्री लगभग इंटू टेन इंटू हाइट एच हमें पता करना है ये टेन एस टू पावर थ्री और ये टेन एस टू पावर थ्री कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाता है एच इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इस कैपिलरी में हमारा जो लेवल राइज होगा उसकी वैल्यू आ जाती है थ्री सेंटीमीटर अच्छा मुझे एक बात बताओ इससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि हाइट की वैल्यू आनी चाहिए थ्री सेंटीमीटर लेकिन ये किसने नाप रखा है कि हमारी ट्यूब वाकई थ्री सेंटीमीटर लंबी है कि फाइव सेंटीमीटर लंबी है या सिर्फ एक सेंटीमीटर तक की ट्यूब थी उस केस में क्या होगा हमारी हाइट ऊपर जानी चाहिए थी थ्री सेंटीमीटर हमारी ट्यूब की लेंथ है सिर्फ वन सेंटीमीटर यानी कि इन सफिशियंट लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई ट्यूब की लेंथ कम पड़ गई ऐसे में क्या होगा क्या यहाँ पे ऐसा फुवारा चल जाएगा कि पानी तो थ्री सेंटीमीटर तक जाना चाहता था लेकिन वन सेंटीमीटर पे ट्यूब खत्म हो गई तो चलो यहाँ फुवारे की तरह पानी इस तरीके से निकलता जाएगा ऐसा तो नहीं होगा फिर तो ऐसे तो हमारे बैठे बैठाए फुवारा चल गया यहाँ पंखा लगा तो कूलर बन जाएगा वो सब नहीं होता देखो क्या होगा कि जिस वक्त लिक्विड यहां तक आएगा उसके बाद लिक्विड और ऊपर जाना चाहता है लेकिन लिक्विड को ऊपर खींच कौन रहा था देखो यहां पर एक सरफेस है सरफेस टेंशन की वजह से इस तरीके से लिक्विड के तो ऊपर फोर्सेस लग रहे थे इसीलिए लिक्विड ऊपर जा रहा था अब यहां पर तो वो सरफेस ही नहीं है सरफेस यहां पर इस तरीके से मुड़ जाती है मतलब आप ट्यूब देखोगे तो कुछ ऐसी ट्यूब हो जाती है ना इस तरीके से तो पानी यहां तक चढ़ता है उसके बाद पानी को ऊपर खींचने के लिए कोई सर्फेस नहीं होती पानी को फिर सर्फेस इस डायरेक्शन में खींचती है तो पानी बाहर निकलता है कुछ इस तरीके से और इस तरीके से हमारे पास एक टिप बन जाती है ऊपर पानी इस तरीके से बल्ब जैसा कुछ बना लेता है ये देखो इस तरीके से पानी कभी भी ऐसे ओवरफ्लो नहीं करेगा पानी ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो हम यहाँ पे एक डायनो लगा देंगे पानी गिरता रहेगा उससे बिजली बनती रहेगी फ्री में हमें बिजली मिलती रहेगी ऐसा नहीं होता वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ये फ्री में बिजली आ कहां से रहेगी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है पानी की जनरली आपने देखा होगा कि पानी की बूंद नीचे की तरफ इस तरीके से टपकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ हमारे पास पानी की एक बूंद बन जाती है लेकिन कभी भी पानी इस तरीके से ओवरफ्लो नहीं होगा कैपिलरी ट्यूब में और एक एग्जाम्पल हो सकता है इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ट्यूब है जिसका डायमीटर है वन मिलीमीटर mm, दूसरी ट्यूब है जिसका डायमीटर है पॉइंट टू मिलीमीटर देखो इस ट्यूब का डायमीटर कम है तो यहाँ पर वाटर ज्यादा राइज होगा यहां पर भी वाटर राइज होगा लेकिन थोड़ा कम राइज होगा और हमें बताना है इन दोनों राइजन लेवल्स के बीच में कितना हाइट का डिफरेंस आ रहा है बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखो यहां पर हमारे पास एक सरफेस है इस सरफेस का प्रेशर है पी ए क्योंकि ये ओपन टू एटमोसफियर है यहां पर भी हमारा प्रेशर पीएटीएम हो जाएगा क्योंकि ये सभी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है अच्छा यहां पर भी प्रेशर था पीएटीएम लेकिन जैसे ही हम सरफेस को क्रॉस करेंगे हमारा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और उस प्रेशर की कम कितना प्रेशर कम हो जाता है प्रेशर कम हो जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एस बाई ए कॉस थीटा ये हमारे पास डेल्टा पी आ गया डेल्टा पी इस जगह पे हम निकाल सकते हैं डेल्टा पी टू यहां पर हम निकाल सकते हैं डेल्टा पी वन तो उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं डेल्टा पी वन इज इक्वल टू टू एस बाई ए वन कॉस थीटा डेल्टा पी टू की वैल्यू आ जाएगी टू एस डिवाइडेड बाई ए टू कॉस थीटा ये वैल्यू है रो जी एच वन के बराबर ये वाली वैल्यू है रो जी एच टू के बराबर हमें पता करना है एच यानी हमें पता करना है एच टू माइनस एच वन यहां से हमें मिलता है रो जी एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाई ए टू कॉस थीटा माइनस टू एस डिवाइडेड बाई ए वन कॉस थीटा या फिर रो जी एच इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा डिवाइडेड इंटू वन बाई ए टू माइनस वन अपॉन ए वन यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू छोटी है a2 की वैल्यू छोटी है तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी ये वाली टर्म छोटी होगी हमारे पास कुछ पॉजिटिव h की वैल्यू आ रही है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है देखो हमारे पास दो पैरल प्लेट्स हैं इस तरीके से मान लो एक मोबाइल है और दूसरा मोबाइल और है उसके ऊपर रखा हुआ है उसके बीच में हमने कुछ थोड़ा सा पतला सा एक थिन फिल्म डाल दिया है फ्लूइड की मान लो इसके ऊपर एक बूंद पानी में रख दो उसके ऊपर मैं दूसरा मोबाइल स्क्रीन इस तरीके से लगा दूं दो। तो दोनों मोबाइल स्क्रीन काफी ज्यादा फ्लैट होते हैं उनको हम पैरेलल ट्यूब समझ सकते हैं और आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखना एक बूंद पानी डालना ज्यादा पानी डालना नहीं तो पता चला मोबाइल भीग करके खराब हो गया ओके okay, हमें पता करना है कि सरफेस टेंशन के कारण इन दोनों प्लेट्स पर फोर्स कितना लगेगा पहली बात कि इनके ऊपर फोर्स लगेगा कैसे देखो अगर हमारी सरफेस है ग्लास और प्लास्टिक इस तरह की चीजें और वाटर तो हमारे पास ये जो एंगल थीटा आता है ये एक्यूट एंगल आता है या मान लो आप इसको जीरो आ गया उस किस में हमारे पास कुछ इस तरीके का मेनिस्कस बन जाता है यहां पर और ये एक तरीके से कैपिलरी बन गई है तो यहां पे कैपिलरी एक्शन यूज होने वाला है अब फायदा क्या होगा देखो यहां पर है प्रेशर पी एटीएम प्रेशर है पी एटमोस्फेर जैसे ही हम इस सर्फेस को क्रॉस करते हैं तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा देखो यहां पर अगेन हमारे पास एक बबल जैसी सिचुएशन है बबल या ड्रॉप आपको जो भी बोलना है इसका कुछ रेडियस होगा आर और जब हम कॉन्केव साइड से कॉन्वेक्स साइड आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है अंदर हमारे पास हमेशा अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है तो यहां पर जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे उस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी ए टी एम माइनस टू एस बाई आर यहां पर हमारा प्रेशर आ गया पी ए टी एम माइनस टू एस डिवाइडेड बाय आर जिसमें ये हमारा है रेडियस आर और यहां पर भी हमारा रेडियस है आर दोनों जगह सेम रेडियस हमने माना है अगर ये दोनों रेडियस अलग अलग हुई तो क्या होंगे मान लो ये वाला रेडियस कम है उस केस में क्या होगा यहाँ पे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा ड्रॉप हो चुका है यहाँ पे कम प्रेशर ड्रॉप था तो यहाँ से इस तरफ फ्लूड फ्लो होने लगेगा यहाँ से फ्लूड इस तरफ फ्लो होएगा तो यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स आपस में पास आएंगी पास आएंगी तो इधर का भी रेडियस कम हो जाएगा इधर का रेडियस थोड़ा बढ़ेगा और ये दोनों फिर वापस इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी दोनों प्लेट्स पैरेलल रहने वाली हैं अच्छा वो सब छोड़ो मान लेते हैं हमारे पास दोनों रेडियस बराबर है अब क्या होगा यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम है पी एटमोस्फेरिक से यहाँ पर है हमारे पास पी ए टी एम पी ए टी एम साथ में यहां पर भी है पी ए टी एम अब इस प्लेट के अक्रॉस देखो इस प्लेट के अक्रॉस हमारे पास कुछ प्रेशर डिफरेंस है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ हमारे पास फोर्स लग जाएगा क्योंकि हमारे पास ये देखो एक एरिया है कितना फोर्स लगेगा फोर्स हो जाता है डेल्टा पी टाइम्स एरिया उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी टाइम्स एरिया अच्छा ये फोर्स इस तरफ भी लगेगा और इस पे भी लगेगा तो हमारे पास दोनों प्लेट्स आपस में इस तरीके से पास आने की कोशिश करेंगे ओके और एक चीज देखो यहां पर हमारे पास एक सरफेस है तो अगर हम इसको यहां से काट दें इस तरीके से और इसको एक सिस्टम बना दें या फिर इसको एक सिस्टम बना दें तो इन दोनों सिस्टम पे हमारे पास सरफेस भी इस तरीके से कुछ फोर्सेस लगा रही होंगी तो हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा और हम लिख देंगे एफ सर्फेस टेंशन उसकी वैल्यू हो जाएगी सरफेस टेंशन इन टू एल अब ये एल क्या होगा इस केस में देखो इस पूरी सर्कम पे हमारे पास सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगने वाला है तो उस एल की वैल्यू हो जाती है टू टाइम्स ए प्लस बी अगर ये डायमेंशन अगर हमारा ए था या हमारा बी था ये वैल्यू बन जाती है एस इंटू टू टाइम्स ए प्लस टू टाइम्स बी अब देखो हमारे पास इन प्लेट्स पर नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है प्रेशर वाला हमारे पास इस प्लेट पर नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन वाला और इस प्लेट को अपोज कौन कर रहा है क्या इस पर कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नहीं यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो तो कम है प्रेशर की वजह से तो नीचे ही फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन भी नीचे ही फोर्स लगा रही है तो उस पर नीचे की तरफ ही फोर्स है तो ये आस पास आती जाएंगी दो प्लेट्स पास आती जाएंगी पास आती जाएंगी एकदम पास आती जाएंगी और चिपकने लगेंगी इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन के कारण अगर हमें कुछ चिपकाना होता है तो आपने देखा भी होगा अगर मोबाइल के ऊपर जब स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है तो वो स्क्रीन गार्ड खोलते हैं उसको बस इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं वो अपने आप चिपकता जाता है अपने आप चिपकता जाता है तो वहाँ पे यही दो फोर्सेस एक्शन में होते हैं हमारे पास एक प्रेशर का फोर्स होता है और एक इस तरीके से सर्फस टेंशन वाला फोर्स होता है एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको अगर मैं अपने मोबाइल पर रख दू और मैं इसे उठाने की कोशिश करूं बड़ा मुश्किल हो रहा है ये मेरी पावर बैंक है ये मेरा मोबाइल है इन दोनों को चिपका के देखते हैं बीच में एक बूंद लिक्विड है और काफी ज्यादा फोर्स लग तो रहा है ये मैं रिस्क लेना नहीं चाहता <laughs> कई बार ऐसा होता है चीज़ें चिपक जाती हैं ये हमारा प्लेक्ट्रम है ये देखो इस पर ऐसे चिपक नहीं रहा है लेकिन अगर मैं इसे गीला कर दूंगा एक बूंद पानी रखा और ये देखो चिपक गया ये नीचे नहीं गिरेगा और ही नहीं रहा है वो अच्छे से चिपक गया ये कोई गोंद नहीं लगाई है मैंने सिर्फ एक बूंद पानी लगाया था लेकिन सर्फेस टेंशन के कारण ये चिपक जाता गिर गया सी चिपका के देखते हैं थोड़ा तो चिपकती है ये लेकिन पूरी नहीं चिपक रही है तो इस तरीके से आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो अच्छा ऐसे ही तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था सर्फेस टेंशन को जब हम मेजर कर रहे थे तब जब हम सर्फेस टेंशन मेजर कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल प्लेट थी यहां पर देखो हमारे पास दो पैरल प्लेट्स हैं यहां पर सिर्फ एक प्लेट थी उसके कारण होगा क्या देखो पैरल प्लेट्स होती है तो हमारे पास एक मिनिस्कस बन जाता है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और उसकी वजह से एक प्रेशर वाला फोर्स भी आता है ये यहां पर ऐसा कोई मिनिस्कस बनता नहीं है यहां पर अगर हमारा पी ए था तो इस जगह भी पी ए था और यहाँ से सभी जगह पे फिर हमारे पास पी ए ही था तो यहां पर कुछ प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स नहीं लग रहा था सिर्फ ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स लग रहा था उसके कारण हमने सरफेस टेंशन मेजर कर ली थी लेकिन इस केस में हमारे पास सर्फेस टेंशन का फोर्स भी है और प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स भी है कई बार आपने देखा होगा कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे रखो तो वो कुछ चिपक जाती है अच्छा मेरे पास ये प्लेट्स एकदम पैरेलल प्लेट्स हो नहीं पा रही है तो ये नहीं चिपक रही है मे बी इस पर मैं सीढ़ी रखूंगा तो सीढ़ी चिपक जाएगी पानी इतना ज्यादा है कि सीढ़ी उसमें तैरने लग गई <laughs> लेकिन आपने ये महसूस जरूर किया होगा कई बार प्लेट्स आपस में चिपक जाती है चीजों को अगर गीली होती है तो उठा पाना बहुत ही मुश्किल होता है ये भी एक बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें हमारे पास एक कप है और उस कप में हमने नीचे एक छेद कर दिया छोटे से रेडियस का ऐसे बहुत बड़ा सा छेद मत कर देना फिर हम क्या करते हैं इसमें पानी भरते हैं तो पानी भरेंगे तो ऐसा लगता है कि पानी है यहाँ पर तो पानी नीचे गिरना चाहिए तुरंत तो पानी वहां पर छेद है लेकिन एक हाइट तक आने के बाद ही पानी गिरना शुरू होता है अगर हम इसको इतना ही भरेंगे यहां तक तो पानी नीचे नहीं गिरेगा हम एक सर्टेन हाइट के ऊपर तक इसे भरेंगे उसके बाद ही यहाँ पर पानी गिरना शुरू होता है तो ऐसा क्यों होता है यहां पर हमारे पास है प्रेशर पी ए टी एम और यहां पर हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो हम रो जी एच से हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा और इस पॉइंट का प्रेशर हो जाता है पी ए टी एम प्लस रो जी एच यहां पर हमारे पास हवा का प्रेशर है फिर से पी ए टी एम पी ए टी एम मान लो यहां पर इसका रेडियस था आर और हमारी बूंद कुछ इस तरीके से बन गई है उसका मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूं ये हमारी पानी की ये वाली छोटी सी बूंद है इस ड्रॉप की सरफेस के ऊपर हमारे पास प्रेशर है पी एटीएम प्लस रोजीएच अगर हम इस सरफेस को क्रॉस करके नीचे आते हैं तो हमारा प्रेशर में जो चेंज आता है टू एस बाई आर उसकी वैल्यू अगर पी एटीएम से कम है तो हमारा फ्लूड नीचे फ्लो नहीं होगा उसकी वैल्यू पी एटीएम से ज्यादा होगी तभी हमारा नीचे फ्लुड फ्लो होगा तो इसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं डेल्टा पी ड्यू टू तो ग्रेविटी इज इक्वल टू तो डेल्टा पी ड्यू टू तो सरफेस टेंशन उसके बाद ही हमारा फ्लूड फ्लो होगा इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं रो जी एच इज इक्वल टू टू एस बाय आर अगर कॉस थीटा है तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी इससे हमें हाइट की एक एच वैल्यू मिलती है उस हाइट एच तक हम इस कप को भरेंगे उसके बाद ही यहां से पानी गिरना शुरू होगा अच्छा ये इफेक्ट्स हम देखते कहां पर है चाय की छलनी में अभी बहुत ही गंदी सी चाय की छलनी है इसमें बहुत सारे छोटे, छोटे 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 होल्स हैं इसमें अगर मैं पानी डालूंगा तो पानी छेदों में से गिरना चाहिए लेकिन सरफेस टेंशन के कारण वो इसमें से नीचे नहीं गिरेगा देखो ये इसमें हम पानी डाल रहे हैं पानी डालेंगे डालते ही नहीं गिरे थोड़ी देर बाद गिरता है उसके बाद अभी भी इसमें पानी है लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है और पानी भरा मैंने और पानी भरा पानी भरा पानी भरा अब जाकर के पानी गिरना शुरू हुआ तो एक हाइट तक जब तक पानी नहीं भरेगा वो प्रेशर डिफरेंस आता नहीं है और उसके बाद पानी नीचे नहीं गिरता है तो जब हम चाय छानते तो चाय तो तुरंत गिर जाती है आपने कभी देखा है क्या यहाँ पे चाय थोड़ी भर गई उसके बाद नीचे गिर रही है वैसा भी होता है लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि इन होल्स में चाय की पत्ती जम जाती है चाय की पत्ती भी तो होती है चाय में इसीलिए तो छानते हैं उसे और एक बात चाय बॉइलिंग टेम्परेचर पे होती है चाय काफी गर्म होती है उस वक्त पानी की सरफेस टेंशन काफी कम होती है तो वहां पर यह वाला फिनोमिना हमें देखने को नहीं मिलता ये अक्सर वहां देखने को मिलता है अगर हमारे पास कुछ कपड़ा है कपड़े के ऊपर अगर एक बूंद पानी इस तरीके से आता है तो तुरंत अंदर नहीं चला जाता थोड़ी देर बाद वहां पर कैपले एक्शन स्टार्ट होता है फिर पानी अंदर जाता है और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास एक कंटेनर है या चाय का कप है उसमें कुछ फ्लूड भरा हुआ है उसमें हमने एक स्ट्रॉ डाला या फिर पतली सी ट्यूब डाली और उसमें हम यहां पर हवा ब्लो करते हैं अगर हम यहां पे हवा ब्लो करेंगे तो यहां पर से हवा निकलनी जाएगी इस तरफ ओके हवा को निकलना है यहां पर तो हवा निकलने से पहले इस जगह पे एक बबल बनाएगी तो उस बबल को भी मैं जूम इन करके ड्रॉ कर देता हूं अच्छा ये एक कैपिलरी ट्यूब की तरह अगर हम यहां पर फूक नहीं मार रहे हैं, तो क्या होगा यहां पर पानी का लेवल जो होना चाहिए था उससे थोड़ा ऊपर पानी का लेवल आ जाता है अच्छा फिर हम यहाँ पर प्रेशराइज हवा मारने लगे फूक मारने लगे प्रेशर बढ़ाने लगे हम इस जगह का तो पानी का लेवल नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और इस लेवल तक आ जाएगा यहाँ तक पानी का लेवल आ गया हम और फूक मारेंगे तो पानी ऐसे डायरेक्टली हवा हमारी बाहर नहीं निकलेगी पहले एक इस तरीके का बबल बनेगा और जब भी यहाँ से हवा निकलती है तो बबल की तरह ही निकलती है तो बबल के अंदर भी कुछ हवा होगी उसका भी कुछ प्रेशर होगा तो आप ये समझ सकते हो हम वही प्रेशर पता करना चाहते हैं अच्छा यहाँ पे हमने और प्रेशर डाला और प्रेशर डाला और प्रेशर डाला तो इस जगह का कुछ प्रेशर है पी ए अगर इस कर्व सर्फिस के अंदर प्रेशर है पी ए तो बाहर की तरफ प्रेशर कम होगा हमारे देखो हमेशा अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है कभी भी कर्व सरफेस होती है बाहर की तरफ प्रेशर कम होगा और उसकी वैल्यू कितनी है यहां पर देखो यहां पर प्रेशर है पी ए टी एम प्लस रोजीएच तो हम लिख सकते हैं पी ए माइनस टू एस बाई आर यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच तो पी ए यानी हम जो फूक मार रहे हैं वो वाला प्रेशर की वैल्यू आ जाती है पी ए टी एम प्लस रो जी एच प्लस टू एस बाय आर इतना हमको एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा हमें इतना प्रेशर और लगाना पड़ेगा तब कहीं जाकर इसमें से एक बबल यहां से बाहर निकलेगा और इसी प्रेशर पर हम फूक मारते रहेंगे तो बहुत सारे बबल निकलते जाएंगे इस तरीके से ये सॉल्व करने होते हैं अब एक डेमोन्स्ट्रेशन में हम एक नाव बना के देखेंगे जो अपने आप ही चलती हुई दिखाई देगी कैसे चलेगी देखो मान लो हमारे पास ये कुछ पानी भरा हुआ है अभी हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, से देख देख रहे रहे हैं हैं ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर या किसी चीज का एक पीस काट के पानी में रख दिया तो इस पे सर्फेस के कारण कुछ देखो सर्फेस टेंशन के कारण कुछ इस तरीके से सर्फेस फोर्स लगाएगी इधर भी इधर भी इधर भी, इधर भी 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 सभी तरफ सर्फेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा ओके अब यहां पर इस तरफ जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इस तरफ है इस तरफ जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इस तरफ है तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जैसे साबुन अगर मैं पानी में डाल दूं या इंक डाल दूं या कुछ उठ पटांग वहां पर सब्सटेंस डाल दूं इम्प्योरिटीज मिला दूं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बदल जाती है मान लो मैंने यहां पर थोड़ा सा साबुन घुला हुआ पानी यहां पे डाल दिया अब वो पानी धीरे धीरे इधर उधर घुलता हुआ फैल जाएगा लेकिन जितनी दूर में फैलेगा वहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी अब इस पेपर को देखो इस पेपर पे इस डायरेक्शन में जो भी सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस लग रहे थे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी हम बोलते हैं सरफेस टेंशन वहां पे टूट गई या पे सरफेस टेंशन की वैल्यू काफी कम हो गई लेकिन इस साइड तक अभी भी वो साबुन का पानी पहुंचा नहीं है घुलते हुए तो इस साइड फोर्सेज ज्यादा है ऊपर की तरफ भी जो भी फोर्सेज थे वो तो इस तरीके से लगी रहे थे यहां पर हम देखते हैं कि नेट फोर्सेज इस तरफ हो गए तो हमारी ये जो पेपर की स्ट्रिप है ये इस तरफ मूव करने लग जाएगी सिर्फ हमने यहाँ पर एक ड्रॉप साबुन का पानी डाला था अब इसी को थोड़ा और हम बेटर डिजाइन करें तो इस तरीके से आप एक पेपर का कटआउट काट सकते हो यहां पर बीच में आप बस एक ड्रॉप इंक डाल दो या साबुन का पानी डाल दो और अगर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो आप एक काम करो एक लीफ लो इस तरीके से हमारी लीफ होती है या लीफ के इस एंड को साबुन में डुबो करके उसको जमीन पे रख दो सॉरी पानी में रख दो तो यहां ये सरफेस टेंशन ब्रेक करती जाएगी और लीफ इस तरफ आगे चलती जाएगी हमने ये जो बोट बनाई ये कितना आगे जा सकती है यहाँ पर हमने साबुन की एक ड्रॉप डाली थी तो वो ड्रॉप धीरे धीरे घुलती जाएगी और यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फिर से इस साइड के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आगे के फोर्सेस और पीछे के फोर्सेस फिर बराबर हो जाएंगे थोड़ी देर आगे जा कर के ये बोट रुक जाएगी इसके नेट फोर्सेज इक्वली में आ जाएंगे या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हमारी छोटी सी इस कटोरी भर का हमारा पानी था उसमें हमने बोट रखी हुई थी उस केस में जो साबुन है क्योंकि बोट इधर उधर मूव कर रही है तो पूरे में साबुन को घोल देगी और हमारे पूरे वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी उसके बाद भी इस तरफ भी फोर्स कम हो जाएगा इस तरफ भी फोर्स कम हो जाएगा फिर भी ये चलना बंद हो जाएगी तो ये वाली बोट ज़्यादा आगे नहीं जा सकती है पर फिर भी इस तरीके से आप बोट चला सकते हो काफ़ी कूल एक्सपेरिमेंट है इसको ट्राई ज़रूर करना आप और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मान लो हमारे पास एक सिक्का है कोई कॉइन है इस कॉइन के ऊपर आप एक ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी की बूंद यहां पे डालो तो आप जैसे ही पानी की बूंदे डालते जाओगे पानी एक इस तरीके से शेप ले लेता है यहां पर भी अगेन हम देखते हैं कि कर्व सर्फेस है यहाँ पर और बीच में हमारे पास एक हॉरिजोंटल सर्फेस आ जाती है इसको एक्जैक्टली मेनिस्कस तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल मेनिसकस नहीं है तो यहां पर पानी इसके ऊपर होना नहीं चाहिए था इस कॉइन पे से पानी इस तरीके से बह जाना चाहिए था इधर इधर बह जाना चाहिए था लेकिन सरफेस टेंशन के कारण यहां पर फ्लूड इस तरीके से रुका हुआ रहता है हमारे पास यहां पर देखो जो भी प्रेशर नीचे रो जी एच के कारण आता है वो यहाँ से हम जिस भी इस कर्व सर्फिस से बाहर निकलते हैं तो वो प्रेशर फिर से कम हो जाता है और यहाँ पर दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाता है ये फ्लूड फ्लो नहीं करता है अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो यहाँ पर इसमें सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाएगी सरफेस टेंशन इस फ्लूड की कम हो जाएगी उस केस में पानी अचानक से ऐसे बह जाता है या फिर आप इसे गर्म कर दो तो, गर्म कर दोगे तो, तो भी वो बह जाएगा या फिर थोड़ी देर में आप देखना यहाँ पर कुछ भी जो भी इंप्योरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से एक जगह से हमारी सर्फेस टेंशन ब्रेक होती है और फिर पूरा फ्लूड इस तरीके से नीचे बह जाता है एक और एक्सपेरिमेंट जो हम करके देख सकते हैं वो है इस पिन को पानी की सरफेस पे तैराने वाला अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और ये सीधे पानी के अंदर चली जाएगी एकदम बॉटम तक तो इसे बड़े आराम से हमें यहाँ पर इसकी सरफेस पे रखना होगा और वो हम अपने हाथों से रख नहीं सकते तो इसके लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं हम क्या करते हैं पानी में हम एक पेपर डाल देते हैं इस तरीके से उसके ऊपर धीरे से इसको रख देते हैं अरे कहा गई पेपर ही मुड़ गया हम पहले पेपर रखेंगे उसके ऊपर इस पिन को रख देंगे पेपर थोड़ी देर में गल के नीचे चला जाएगा और पिन हमारी तैरती रहनी चाहिए अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो देखते हैं देखते हैं देखते हैं तो ये अपने आप में एक, एक एक्सपेरिमेंट है कि पेपर इस तरीके से कर्ल क्यों करके आए मच्छर फिर से मार दिया उन्हें इसके अंदर मेरे हाथ में मच्छर है जैसे मुट्ठी को लूंगा मच्छर उड़ेगा मच्छर नहीं है सॉरी कीड़ा था वैसे मुझे लग रहा है कि ये पेन डूबने वाली है क्योंकि ये पेन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है अपने आप में आप इसकी जगह सीधी वाली सुई होती है ना वो रखना फिर आप इसको करके देखना होना चाहिए फिर भी देखते रिजल्ट क्या आता है थोड़ी देर में ये कागज़ गल के नीचे डूब जाएगा और हमारी पिन पानी की सरफेस पे तैरती रह जाएगी सिर्फ सरफेस टेंशन के कारण देखते हैं होता है कि नहीं होता है अगर एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया तो मैं आगे की स्टोरी नहीं डालूँगा प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वहाँ पे मैं इस तरीके का बिहाइंड द सीन स्टफ काफ़ी सारा पोस्ट करता रहता हूँ अच्छा कागज गल गया है क्या ये पेपर ही नहीं डूब रहा है और ये वाला पेपर पहले ही डूब के बैठा हुआ है इस पर मैं इस तरफ वेट रख देता हूँ उसकी वजह से शायद ये डूब जाए कागज ओ कागज डूबा और साथ में हमारी पिन भी डूब गई कोई बात नहीं कई बार एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाते हैं लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए तो प्लीज ट्राई जरूर करना आ गया है सरफेस टेंशन का लास्ट टॉपिक डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स काम कैसे करते हैं पहली बात तो डिटर्जेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है देखो हमारे कपड़ों पर या किसी भी सरफेस पे जब भी कोई गंदगी जम जाती है दाग धब्बे तो हम उसे पहली बात तो पानी से धो सकते हैं क्या हम अगर उस पर पानी डालेंगे तो वो चीज़ पानी में घुल के पानी के साथ बह जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ साफ़ हो गई लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई ग्रीसी या ऑयली चीज़ कुछ खाते खाते तेल गिर गया यहाँ पर तो वो चीज़ तेल पानी में घुलता नहीं है इसलिए वहां पर आप ऑयली सर्फेस हो ऑयली गंदगी पे कितना भी पानी बाहर लो तो वो निकलने वाली नहीं है कपड़े में से इसीलिए हमें डिटर्जेंट्स की ज़रूरत पड़ती है डिटर्जेंट्स होते क्या है देखो ये हमारी डर्ट है और ये हमारा पानी है ये मिक्स नहीं होते हैं इसीलिए पानी यहाँ से कितना भी बह जाए थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल हमेशा बचा रहेगा जो कि कपड़े से चिपका हुआ है हम डालते हैं वहाँ पर फिर डिटर्जेंट अब डिटर्जेंट का एक ये मॉलिक्यूल है इसमें दो एंड होते हैं एक एंड होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है और दूसरा एंड होता है जो वाटर से इनर्ट होता है वाटर के साथ वो एक्ट नहीं करता है और वो ऑयल्स को अट्रैक्ट करता है इसको हम बोलते हैं वैक्सी एंड तो इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल बेसिकली हमने यहाँ पर डिटर्जेंट डाल दिया ये डिटर्जेंट में देखो ये जो पानी के अट्रैक्ट होने वाला ग्रीन वाला पार्ट है वो तो पानी से अट्रैक्ट होगा लेकिन ये रेड वाला ये ये हमारी डर्ट के पास जाकर के चिपक जाएंगे इस तरीके से अगर यहाँ से इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है तो ये ग्रीन वाले जो एंड है जो पानी के साथ घुल जाते हैं वो पानी के साथ बह जाना चाहेंगे और अगर वो बहने की कोशिश करेंगे तो साथ में ये डर्ट पार्टिकल भी उनके वैक्सी एंड पे चिपका हुआ बाहर निकल आएगा इस तरीके से हमारे पास डिटर्जेंट और पानी का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि डिटर्जेंट पानी और डर्ट दोनों को बांध देता है अब पानी बहेगा तो ये देखो ये हवा में सस्पेंडेड है हमारी डर्ट डर्ट हवा में उड़ने लगी है पहले डर्ट जमीन पे चिपकी हुई थी सरफेस पे चिपकी हुई थी अब डर्ट सस्पेंडेड है और वो पानी के साथ बह सकती है इसीलिए हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं इसी के साथ हमारा सरफेस टेंशन का वन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि अगर वीडियोस लाइक नहीं होते हैं तो फिर ये यूट्यूब की गहराइयों में कहीं दब जाते हैं हमें फिर डिटर्जेंट लगाना पड़ेगा उसको वापस ऊपर लाने के लिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दो क्योंकि जो भी वीडियोज या कोई भी एक्सपेरिमेंट पोस्ट होता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एनसीआर टी सोल्यूशन करेंगे बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है वहां भी कैसा लगा सर्फेस टेंशन का वीडियो अगर आपको क्रैशअप के कंटेंट पसंद आ रहे हैं क्रैशअप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो सभी कंटेंट हमेशा फ्री रहने वाला है लेकिन फिर भी सपोर्ट करो फ्री एजुकेशन को ताकि और भी बेहतर और भी ज्यादा कॉन्टेंट फ्री में यूट्यूब पर अपलोड हो सके तो मिलते हैं मेंबरशिप एरिया में